चेक चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक चेक यस, क्लियर ठीक है हेलो हेलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक बार सारे लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए यस एवरीवन अरे गुड मॉर्निंग नहीं भैया गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ जी बड़े दिनों बाद बड़े दिनों बाद एक बार पहले ना ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए फिर अपन बातें करेंगे तो आप लोग सबसे पहले ना एक बार ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी जस्ट चेक इट आउट मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी इंटरप्शन रहे बीच में सो इज एवरी वन एवरी वन हाँ, सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक है ठीक है जी ओके है ओके है ठीक है अच्छा तो अभी ना हम लोग का जो जीत मैच था वो हम थोड़ा होल्ड पे डाल दिए थे उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया था कि आ, बीच में ट्वेल्थ बोर्ड्स के एग्जाम्स थे जो सीबीएससी ट्वेल्थ बोर्ड है और चार मार्च को उसका पेपर था एंड हम लोग ने एक सीरीज चलाई थी कि बच्चों का पूरा रिविजन कराएंगे एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स और बच्चों बहुत मजा आया उस सीरीज चलाने में और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सीरीज से डायरेक्टली बच्चों को पेपर में देखने को भी मिले हैं so हम लोग उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं कि किस तरीके का हमारा सीरीज से हमने कैसे चार तारीख के पेपर को क्रैक किया और इसी उम्मीद के साथ कि हम हम आगे आने वाले जो भी पेपर्स हैं उनको अपनी सीरीज से क्रैक कर सके उनको डी कर सके इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी जीत सीरीज को आज कंटिन्यू कर रहे हैं तो बच्चों पिछले तेरह दिनों के अंदर हम लोग ने बहुत सारे अलेवेंथ क्लास के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो जितने बच्चे मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या जितने बच्चे हम लोग पहली बार मिल रहे हैं यहाँ पर मैं आपको पहले से इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि हम लोग यहाँ पर रोज रात में करते क्या है हम लोग रोज रात में पे क्या प्लानिंग बनाते हैं क्या खिचड़ी पकाते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कोई भी टॉपिक जो चार नंबर का वेटेज रखता है जिससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद हंड्रेड रहती है हम सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं जैसे आज का टॉपिक हमारा फ्लूड्स है हम लोग इससे पहले इलेवंथ की पूरी मिकेनिक्स चटका चुके हैं उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी खत्म कर चुके हैं उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन खत्म कर चुके हैं तो बहुत सारा मेजर पार्ट ऑफ इलेवेंथ जिसमें बच्चों को थोड़ी सी रहती है समस्या उस पार्ट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से लेकिन केवल यहां पर हम थ्योरी डिस्कस नहीं करते हम थ्योरी के साथ साथ पीवाई क्यूज दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग रहते हैं 2024, 2023, 2022 के पेपरों में जो रहे हैं अगर आई टी की बात करें या नीट की बात करें उनका भी एनालिसिस करके मैं यहां पर बच्चों की प्रैक्टिस कराता हूं तो यहां पर हम लोग हर आ, आ, सेशन में अराउंड पंद्रह क्वेश्चन कभी बारह क्वेश्चन डिपेंडिंग की क्वेश्चन कितना लेंदी है उस हिसाब से हम लोग इतनी प्रैक्टिस तो करते ही टॉपिक वाइज तो मैं यहाँ पे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू देता हूं। बच्चों को आइडिया लगता है बच्चों को को कि किस किस तरीके तरीके के के क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने हैं किस तरीके के या कौन सी थ्योरी से उस को बना रहे हैं। ये मैं ओवरव्यू देता हूं। और फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे जोरदार प्रैक्टिस अच्छा इसके साथ साथ हम केवल प्रैक्टिस आपको यहाँ वीडियो में नहीं कराते केवल लेक्चर में नहीं कराते इसके साथ साथ मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ एक शीट अपनी एप्लीकेशन पे हम एक शीट प्रोवाइड करते हैं जो शीट बच्चे सॉल्व करते हैं यस और वो शीट से उनको डबल बेनिफिट मिलता है कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ और वैसी टाइप के क्वेश्चन मैं अपनी शीट में डालता हूं जिसमें बच्चों को उससे प्रैक्टिस करने का बढ़िया जोरदार मौका मिलता है इसके बाद केवल शीट नहीं डाली जाती शीट के साथ साथ डाले जाते हैं शॉर्ट नोट्स तो जितने बच्चे मेरे साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं वो बात को बहुत अच्छे समझते होंगे कि हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स भी देते हैं बच्चों को जिससे बच्चों को अब लिखने की दिक्कत ना रहे वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं लेकिन अगर कहीं आपको लगता है सर इस टॉपिक के शॉर्ट नोट में से मिस हो गए तो आप हमारे शॉर्ट नोट डाउनलोड कर सकते हैं वो भी एक्सक्लूसिवली मतलब हमारी ऐप पर एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट तीसरे नंबर पे हम केवल शॉर्ट नोट्स नहीं देते हम शॉर्ट नोट्स के साथ साथ

इस बोर्ड की जो पीडीएफ रहती है जो बच्चे बहुत डिमांड करते हैं कि सर एक बार आपने बोर्ड की पीडीएफ दे दीजिएगा क्योंकि उससे रिवीजन करने में बहुत मजा आता है तो वो भी हम यहां पर अपलोड कर देते हैं ये तीन चार चीजें सारी चीजें हमारी ऐप पर रहती हैं बच्चों तो लेक्चर हमारा यूट्यूब पे रहता है लेकिन बाकी सारी चीजें हम लोग अपनी ऐप पर प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी हो या जिसको पता नहीं हो तो बच्चों यहाँ ऐप का हमने लिंक डाल रखा है अपने कमेंट बॉक्स में ऊपर है ना तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टू तो गेट द एक्सेस टू एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें कोई इसमें कॉस्टिंग नहीं है इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सो so, हम लोग यहाँ मिलते क्यों है हम लोग यहाँ टारगेट बना रहे हैं आई आई टी जेई के अप्रैल अटेम्प्ट का हम यहाँ टारगेट बना रहे हैं अपनी फिजिक्स का जो कि नीट पांच मई को जो होने वाला है उस पर भी आधारित है तो ये सारी चीजों को आ, हमने चालीस दिन के अंदर आ, पूरा करने का जो टारगेट लिया है हम उसके आज आ गए हैं फोर्टीन डे में यस टुडे इज द डे ऑफ फोर्टी डे चैलेंज टू स्कोर हंड्रेड परसेंटाइल इन फिजिक्स और बच्चों आज की क्लास जैसा मैंने की बता दिया है इट इज ऑल अबाउट फ्लुइड्स क्लास का एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों से कभी कभी मिडवे छूट जाता है जो बच्चों को कभी-कभी मिडवे -कभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और कभी कभी उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती है तो आज की क्लास में हम जोरदार प्रैक्टिस करने वाले हैं जोरदार क्वेश्चन करने वाले हैं पूरा टॉपिक का ओवरव्यू लेने वाले हैं यस वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लूड मिकैनिक्स तो बच्चों मैंने क्या किया मैंने फ्लूइड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है पहले पार्ट में मैं आपको फ्लूइड्स वाला बताऊंगा जो ज्यादातर यूज होता है जैसे कि जिसमें सरफेस टेंशन ना हो विस्कोसिटी ना हो रियल फ्लूइड्स की बात नहीं करेंगे हम आइडियल फ्लूइड्स की बात करेंगे जिसमें हम बर्नोलिस की बात करेंगे कंटिन्यूटी की बात करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट जो आज का लेक्चर है ये फ्लूइड्स वन का लेक्चर है

प्रेशर क्या होता है कैसे चलता है कैसे वेरी करता है क्या यूनिट सिस्टम होते हैं सारी चीजें हम लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉल लॉ तीसरे नंबर पे तो बच्चे जानते ही जानते हैं कि हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूरेका के नाम से फेमस है हम इसको पढ़ने वाले हैं अपने आज के लेक्चर में एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायनेमिक्स जब हमारा बहना स्टार्ट कर देगा तब हमारी जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये हम अपने लेक्चर के चौथे पार्ट में कवर करने वाले हैं तो भैया अपने पेन पे, पेन और पेपर उठा लो क्योंकि अब यहां से जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम थ्योरी का ओवरव्यू लेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए भी

परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर हमारी फोर्स कभी भी एरिया के परपेंडिकुलर लगती है, तो हम वहां से एक टर्म बना सकते हैं उस टर्म का नाम होता है प्रेशर तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता रहता है मैं इसलिए बार बार इस बात पे हाईलाइट नहीं डालूंगा प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला सबको पता होता है फोर्स अपॉन एरिया फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे लेकिन बात का ध्यान रखेंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर इसके यूनिट सिस्टम की बात करें तो इसकी यूनिट सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको ऐसा यूनिट सिस्टम भी कहते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम बनता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से और इसी को हम प्यार से पास्कल के नाम से जानते हैं या पा करके बुलाते हैं तो ये हमारा मेजर यूनिट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पास्कल या सिंपल शब्दों में हम उसको पी ए के नाम से डिनोट करते हैं अब बच्चों प्रेशर के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं और मेजरली हम लोग प्रेशर को तीन भाग में डिवाइड करते हैं ये प्रेशर के जो तीन भाग होते हैं जरा इनको ध्यान से देखिएगा कि प्रेशर के वो तीन भाग क्या होते हैं सबसे पहला प्रेशर कहलाता है द एप्सुलूट प्रेशर द दुलट प्रेशर एप्सुल्यूट प्रेशर का मतलब होता है जो भी प्रेशर आप क्या अभी इस टाइम प्रेजेंट है मतलब आप किसी भी बॉडी पे प्रेशर लगा रहे हो तो जितना भी नेट प्रेशर लग रहा है फोर्स अपॉन एरिया लगा करके या एटमॉस्फेयर का मिला करके ये सारे प्रेशर को इंक्लूड करके जो नेट प्रेशर बॉडी पे लग रहा है उस नेट प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एप्सुल्यूट प्रेशर दूसरे प्रकार का प्रेशर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे सबको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बच नहीं सकता तो हमारे अगल बगल के एनवायरमेंट में एक ऑलरेडी प्रेशर प्रेजेंट है क्योंकि हम एयर की लेयर के नीचे रहते हैं हम एटमोस्फेयर के लेयर के नीचे रहते हैं तो हम पे एक लगातार प्रेशर लग रहा है और वो प्रेशर जो है वो कहलाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सबको याद होती है जिसको हम पी नॉट के नाम से डिनोट करते हैं 1.01 टू अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में आजकल दी जाती है लेकिन फिर भी याद रखेंगे तो बेटर रहता है टू पावर फाइव पासकल ये हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है तीसरे नंबर पे आप लोग ध्यान रखेंगे एक नया टाइप का प्रेशर जिसको बोलते हैं गोज प्रेशर अब बच्चों आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर चलेगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना नीचे चलेगा जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस करते हो ये तो नेट प्रेशर होता है जब नेट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लड़ाई होती है जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है तो उसी को कहा जाता है गॉज प्रेशर सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर और यू कैन से द नेट प्रेशर एंड अवर so, गाड़ी के टायर में हवा डलवाते हो, तो already तो वहां प्रेजेंट होता ही होता है लेकिन आप नॉट के ऊपर हवा डलवाते हो इसका मतलब आप डिफरेंस का यूज करते हो और जब भी आप डिफरेंस का यूज करते हो तो उस प्रकार के प्रेशर को कहा जाता है गॉज प्रेशर तो बच्चों ये तीन टाइप के प्रेशर होते हैं इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है.

हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये कन्वर्जन बहुत काम आता है आपके सवालों में इसलिए इस कन्वर्जन को मैं हाईलाइट कर देता हूं ये वेरी यूजफुल कन्वर्जन है देखने में ग्राम छोटा लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली होता है थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर आपको पता है ये बात कि हमारा जो पानी होता है पानी जिसको हम पीते हैं राइट बिल्कुल सही हम वो पानी की जो डेंसिटी है उसको भी इतना ही बोलते हैं सो बेटा जो तुम पानी पीते हो ना उस पानी की डेंसिटी भी हजार

चेंज होता रहता है इसका मतलब आपका ग्राफ जो हजार हजार के जी पर मीटर क्यूब का ग्राफ होता है वो एक्जैक्टली फोर डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है जिसको मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर भी कहते हैं ये सब बातें वैसे इतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी पता होती है जनरल नॉलेज के लिए तो बेटर रहता है इसके साथ साथ आपको एयर की डेंसिटी भी याद रखनी है एयर की डेंसिटी जो होती है हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है वो 1.29 पॉइंट पर मीटर क्यूब होती है या कुछ लोग उसको 1.3 भी लिख सकते हैं ये देखिए डेंसिटी कितनी गुना कम होती है पानी से तो पानी कहाँ हजार है और कहा हमारी हवा बेचारी जी पर मीटर क्यूब है तो ये हवा पानी के सामने बहुत कम डेंसिटी रखता है ये सबको पता होता है यस yes, तो बच्चों ये डेंसिटी हो गया अभी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले लेकिन अगर आए तो इनका जवाब देना बिल्कुल आसान होना चाहिए दैट इज डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर अगर कभी भी मिक्सर की किसी डेंसिटी निकालनी है मैंने थोड़ा पानी मिलाया थोड़ा ऑयल मिलाया कस के घुमाया मिक्सी में घर तो ऐसे में जो मिक्सर बना वो मिक्सर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं उसका भी तरीका ध्यान रखेंगे सो so, का होता है बच्चों बड़ा सिंपल सा टोटल टोटल मास अपॉन वॉल्यूम मैं दोबारा बोलता हूं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम अब यहां से दो केस ध्यान रखने हैं अगर आपने इक्वल वॉल्यूम के दो लिक्विड्स मिलाए मैं दोबारा बोलता हूं अगर आपने इक्वल वॉल्यूम्स के दो लिक्विड मिलाए तो फिर तो डेंसिटी सिंपल हो जाती है रो वन प्लस रो टू बाई टू क्या याद रखना है रो वन प्लस रोटू बाई टू लेकिन अगर आपने कभी भी इक्वल मास के दो लिक्विड्स मिलाए तो फिर इसके लिए आपको डेंसिटी का नया फॉर्मला रखना पड़ेगा टू रो वन रोटू अपॉन रो वन प्लस रोटू तो ये ध्यान रखेंगे ये किससे निकल जाता है हमारे रो मिक्स के फॉर्मुले से ये भी मैंने हाईलाइट कर दिए तो आप इन सारी बातों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में एड हो रहा है तो बच्चों पहले मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया प्रेशर के सारे टर्म्स के बारे में बताया और उसके बाद तो सुनते रहेंगे इसलिए मैंने पहले ही आते ही टू बी ऑन सेफर साइड पहले ही प्रेशर समझा दिया पहले ही डेंसिटी समझा दी कि भैया मेरे पे कोई कलंक ना लगे बच्चे ऐसा ना बोले कि सर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ाए हैं ओके चलिए जाइए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं क्योंकि मैं हमेशा बीच में चेक करता रहता हूं कि हमारे बच्चे कितनी हमारी बातों को सुन रहे हैं तो लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं क्या लगता है कि प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी कितने लोगों को लगता है ये सही है ट्रू कितने लोग को लगता है ये तो गलत है फॉल्स और कितने लोगों को लगता है कि ये तो हमको आता ही नहीं है तो जरा जल्दी से बताइए क्या प्रेशर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है क्या प्रेशर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है हेलो क्या प्रेशर हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इज इट ट्रू इज इट फॉल्स यह तुमको नहीं आता पोल पे जवाब दिया करो यार ये कमेंट बॉक्स में मत जाएगा पोल पे जवाब दो जल्दी से पोल पे एवरीबडी विल गिव देर आंसर ऑन द पोल प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो अगर फोर्स अपॉन एरिया मैंने आपको बोला फोर्स परपेंडिकुलर लगनी चाहिए एरिया की तो क्या प्रेशर की डायरेक्शन होती है क्या प्रेशर की डायरेक्शन होती है ऐसे लगता है प्रेशर ऐसे ऐसे लगता है कि पूरी बॉडी पे जी क्या प्रेशर पे डायरेक्शन होती है हाँ चलो 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 इधर देखो अगर हम किसी भी बॉडी की बात करते हैं जैसे आपकी बात करें इस टाइम आप, आप खुश हो रहे होंगे होंगे आप आप स्माइल स्माइल कर रहे रहे कितनी सुंदर सी है आपकी मान लीजिए इस टाइम खुश हो हैं स्माइल कर रहे हैं और अगर मैं आपसे बोलूं चलो 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 अपनी बॉडी पे लगने वाला प्रेशर दिखाओ तो आप क्या करोगे सर ये मेरे एग्जाम का प्रेशर है ये मेरे बोर्ड्स का प्रेशर है ये मेरे जेई का प्रेशर है सर ये मेरे नीट का प्रेशर है ये मेरे घर वालों का प्रेशर है ये मेरे मौसा जी का प्रेशर है ये मेरे फूफा जी का प्रेशर है तो आपके दिमाग में बहुत प्रेशर लग रहा है राइट तो आप कहोगे सर देखो ये मेरा प्रेशर डायग्राम है बच्चों गलती हो जाती है इसके अंदर अगर आप ढंग से देखें तो ये जो डंडे हैं ये प्रेशर के डंडे नहीं है ये फोर्स के डंडे हैं प्रेशर तो होता है प्रेशर लगता नहीं है प्रेशर होता है फोर्स लगती है प्रेशर इज ऑलरेडी देयर तो अगर मैं यहां नहीं भी होता तो यहाँ एटमोसफेयर का प्रेशर होता है नहीं होता होता तो यहां भी एटमोसफेयर का प्रेशर है यहां भी एटमोसफेयर का प्रेशर है यहां भी एटमोसफेयर का प्रेशर है आपके बगल में भी एटमोसफेयर का प्रेशर है बट जब आप आओगे उसके अंदर तो उसकी फोर्स लगती है तो ये जो डंडे आप दिखा रहे हो ना ये प्रेशर फोर्स है प्रेशर नहीं है प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रेशर हमारी प्यारी सी स्केलर क्वांटिटी है और यह सिंपली ऐड हो जाती है आपको खुद देखना चाहिए था कैसे मैंने दोनों प्रेशर को कितने प्यार से माइनस कर दिया बच्चों अगर ये वेक्टर होती तो मैं डायरेक्शन देखता हूं फिर माइनस करता लेकिन मैंने कितने प्यार से उन दोनों को माइनस कर दिया कि एक प्रेशर में से दूसरा प्रेशर माइनस करेंगे तो नेट प्रेशर बन जाएगा या एक प्रेशर में दूसरा प्रेशर जोड़ेंगे तो नेट प्रेशर बन जाएगा तो आपको क्लैरिटी मिल रही है यहां पर कि हमारी प्रेशर एक सुंदर सी स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी डेंसिटी एक सुंदर सी स्केलर क्वांटिटी होती है तो चलिए मैं आपको अपना अगला सवाल पूछता हूँ जिससे मुझे पता चले कि हमारे पास किस टाइप का क्राउड है हमारे पास किस टाइप के बच्चे हैं किस टाइप के एस्पिरेंट्स हैं तो चलिए मेरा अगले सवाल का जवाब दीजिए क्या हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या किसी चीज का नेट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है जल्दी से जवाब दीजिए क्या किसी चीज का एप्सल्यूट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या किसी का नेट प्रेशर नेगेटिव हो सकता है हां जी जरा जवाब देखता हूं जवाब देखता हूं हाँ मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूं देख रहा हूं बेटा तुम तो लोग क्या जवाब देते हो तो बिल्कुल 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 सही है सही है बिल्कुल सही है हम अगर बात करते हैं एप्सुल्यूट प्रेशर की

आपकी किसी भी चीज का प्रेशर जीरो नहीं हो सकता है सो तो प्रेशर जीरो लोग ऐसा कहते हैं कि वैक्यूम में हो जाएगा बट ठीक है अगर वैक्यूम देखे तो वैक्यूम इज नॉट अ मैटर हम बात कर रहे हैं गैसेस की हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की वहां पर आपको कभी भी जीरो प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा तो किसी भी चीज का एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज द नेट प्रेशर Never, never, never. आपसे अपना अगला सवाल पूछ लेता हूँ क्या गौज प्रेश किसी चीज का गॉज प्रेशर नेगेटिव हो, हो सकता है बताना जरा जल्दी से क्या इट कैन बी नेगेटिव क्या गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है बच्चों जल्दी 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 गौज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है क्या किसी चीज का प्रेशर का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है है ना जी गॉज प्रेशर कैसे बना था गॉज प्रेशर बना था डिफरेंस से गॉज प्रेशर बना था कि कितना अंतर होता है नेट प्रेशर में और एटमोस्फेरिक प्रेशर में तो अगर हम किसी ऐसी जगह चले गए जहां एटमोसफेयर प्रेशर थोड़ा सा कम है तो ऐसे में जब आप माइनस करोगे यस आपको मेरी बात समझ में आ गई ऐसे में जब आप माइनस करोगे तो माइनस करते में आपका नेट प्रेशर सॉरी डिफरेंस ऑफ प्रेशर नेगेटिव आ जाएगा तो बेटा गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है

वो एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर देखे तो सेम रहता है तो जैसे कि आप ये लिक्विड को देख सकते हैं फ्लूड को देख सकते हैं ये फ्लूड यहाँ पर स्टैटिक है स्टैटिक मतलब ये बह नहीं रहा है अगर ये बह नहीं रहा है मैं यहां लिख देता हूं फॉर स्टैटिक फ्लूड अगर स्टैटिक फ्लूड की बात करें तो आप किसी भी पॉइंट ए गहराई पे भी जाके ले सकते हैं और किसी भी पॉइंट बी की अगर बात करें अगर वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं बच्चों तो यहां पर प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी बिल्कुल बराबर होगा आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए तो कभी भी आपको सेम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल नजर नजर आए आए लिक्विड और कभी भी आपका स्टैटिक हुआ तो ऐसे में ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर से जबरदस्त तरीके से मैच करेगा कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन वही अगर आप डेप्थ में जाने लगे अगर आप नीचे की तरफ जाने लगे या हाइट के साथ चढ़ने लगे तो ऐसे में होने लगता है प्रेशर का वेरिएशन तो अगर हम नीचे की तरफ आने लगे लेट से पॉइंट सी पे आ गए तो ऐसे में नीचे आते में हमारा प्रेशर चेंज हो जाता है और प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ डेप की तरफ बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है ये सबको पता होना चाहिए अगर हम ए में रोजीएच जोड़ दे तो हमें सी का प्रेशर पता चल जाता है तो बच्चों हमेशा नीचे वाले पॉइंट्स का प्रेशर ज्यादा होता है और कितना ज्यादा होता है सर रो जी एच कितना रो जी एच, कितना? रो जी एच। रो जी कर रो जी से आपका नेट प्रेशर तैयार हो जाएगा तो बच्चों ये आपको दो पॉइंट ध्यान रखने की कैसा प्रेशर वेरी करता है किसी भी स्टेटिक फ्लुइड में अगर आप हॉरिजोंटली मूव करते हैं या अगर आप वर्टिकली मूव करते हैं लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको ओके चलिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको जो क्वेश्चन इस छोटी सी बात पे आधारित है 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है लेट्स सी कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं चलिए भाई स्टार्ट करें आइए स्टार्ट करते हैं सो अ सबमरीन एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ एक सबमरीन है

तो हम एक काम करते हैं जल्दी से दोनों पॉइंट के प्रेशर लिखते हैं जो हमारे समरीन के सॉरी जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा पी नॉट अगर वो पी नॉट लगा रहा होगा तो पहले पॉइंट का प्रेशर क्या लिखोगे पी नॉट प्लस रो जी एच तो बेटा पी1 कितना लिखोगे जल्दी-जल्दी पी नॉट प्लस रो जी एच एच की जगह कितना लिखोगे डी1 वैसे पी2 क्या लिखोगे सर पी नॉट प्लस रो जी एच एच की जगह क्या लिखोगे डी2 मुझे निकालना है डी वन माइनस डी टू तो मैं ही क्या करूंगा इनको माइनस करूंगा मैं माइनस मैं कर दूंगा अगर पी टू माइनस पी वन बेटा बड़ा कौन है ना तो बड़े भैया में से छोटे भैया माइनस होंगे तो पी टू माइनस पी वन करू तो P0 -P0 कत, रोजी आ जाएगा कॉमन और यहाँ आ जाएगा डी टू माइनस डी वन अब बच्चों पी टू माइनस पी वन की वैल्यू आप जल्दी से निकाल लो एट पॉइंट जीरो माइनस फाइव पॉइंट जीरो बहुत समझदार बहुत समझदार थ्री पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू दी पावर सिक्स इक्वल टू रो जी एच बच्चों पानी की दे रखी है, हजार. दे रखा है दस इंटू एच आपको कैलकुलेट करना है तो देखते हैं कितना आता है, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है इसका. एक दो तीन एक दो तीन एक दो तो यहाँ पे दो बच रहा है और एच का आंसर आ रहा है मेरे पास थ्री पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू दी पावर टू अगर इसको सोल्व करूं बच्चों प्यार से तो तीन मीटर मेरा आंसर आ रहा है और मेरे को अप्रोक्सीमेटली बताना है तो मैं फिर 300 मीटर वाला आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा आया नहीं आया आया नहीं आया वेरी गुड वेरी गुड तो देखो क्लैरिटी मिल रही हमने प्रेशर का टर्म पढ़ा एक क्वेश्चन लगा लिया ऐसे हम आगे का टर्म पढ़ेंगे फिर एक क्वेश्चन लगा लेंगे हमें पता चलना चाहिए कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो लगती कैसे है तो जैसे हमने प्रेशर का वेरिएशन पढ़ा हमने उसके ऊपर फट सीना एक पीवाई क्यू लगा लिया आइडिया लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चन अब हमसे नहीं चूकेंगे क्लियर हो गया यस सर अब जरा ध्यान से देखना कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम्स की बात करते हैं मान लो आप गाड़ी के पीछे बैठ गए एक दोस्त की और वो गाड़ी तेज चला रहा है और आप बाल्टी लेके बैठे हुए हैं तो क्या होगा जैसे ही वो गाड़ी एक्सेलरेट करेगा आपके गीले होने की संभावना बन जाएगी जैसे ही वो गाड़ी पे ब्रेक लगाएगा उसके गीले होने की संभावना बन जाएगी अरे ये कैसे हुआ ये हुआ एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स की वजह से अगर आप किसी भी फ्लूड को एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में डाल देते हैं चाहे वो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो एक्सेलरेशन वर्टिकल में हो दोनों केस में आपका जो फ्लूड है पहली बात तो वो अपने शेप को भी चेंज कर सकता है और दूसरी बात उसका प्रेशर का वेरिएशन बदल जाता है तो जरा मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको अब एक्सरेटेड फ्रेम्स में या एक्सरेटेड फ्लूड्स में प्रेशर कैसे वेरी करता है और कैसा एंगल बनता है इसके बारे में जल्दी से बताने वाला हूं तो बच्चों अगर हम किसी भी को अगर आप गाड़ी करें, तो में आपका फ्लूइड एक एंगल बना लेता है अगर वहां जगह है तो आपका फ्लूइड एक एंगल बना लेता है जिस एंगल को मैं अभी कैलकुलेट तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर जो एंगल आपको ध्यान रखना है ए बाय जी ए फॉर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एंड जी फॉर ग्रेविटी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी

कोई भी फ्लूड एक्सेलरेट करने लगे तो फिर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कभी सेम प्रेशर मत लिखना कैसे लिखना ध्यान से सुनिएगा तो अगर कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी तो बेटा याद रखना जहां एक्सेलरेट करोगे उसके पीछे का प्रेशर ज्यादा होगा हमेशा पीछे का प्रेशर ज्यादा होगा ऐसा फीलिंग लेके रखना और वो कितना अंतर होगा ध्यान से सुनिएगा पीबी विल बी ऑलवेज पीए से बड़ा और पीए से कितना बड़ा जैसे नीचे आने का फॉर्मूला होता है रोजी एच वैसे पीछे आने का फॉर्मूला होता है रोजीएल एल सॉरी रोएल तो नीचे जाने का फॉर्मूला रोजीएच एच पीछे आने का फॉर्मूला रोएल रो, रो फॉर डेंसिटी ए फॉर एक्सेलरेशन एंड एल फॉर द लेंथ एल फॉर द लेंथ तो बच्चों ये अंतर आ जाता है अगर हम किसी भी फ्लूड को हॉरिजॉन्टली एक्सलेट करने लगते हैं अच्छी बात क्या है कि इसके सरफेस का आंसर याद करके और ये वाला आंसर याद रखे आपके मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे

इन टू एच यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका फ्लूड कभी भी वर्टिकली एक्सरेटेड है तो फिर नीचे का प्रेशर तो ज्यादा आएगा ही होती है ये तो, तो बेटा जी अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सरेट हो रही है तो वो जी प्लस ए है और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सरेट हो रही है तो वो जी माइनस ए है तो आपको ध्यान रखना है अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो वो g प्लस ए है लेकिन अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो वो g माइनस ए होता है ये दो वैल्यू से आपका काम चल जाता है और आपको अब के बाद में कोई रट्टा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी तो क्या ध्यान रखना है एक तो ये वाला फॉर्मुला टेन थीटावल टू ए बाई जी और एक ये वाला फॉर्मुला रो जी ए जिसमें जी की जगह जी इफेक्टिव बोलना आदत डाल लो

ऑप्शन है ए बी सी या डी तो ये चार पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं आपको जल्दी से बताना है कि अगर ये ऐसे कर रहा है तो कहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और कहां पर इक्वल होगा ये भी जवाब दे सकते हैं सो लेट सी कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं कहां पर प्रेशर सबसे भयंकर होगा एक्सलेटेड फ्लूड पढ़ाया अभी और सवाल पूछ डाला हम्म hmm. जी पढ़ाया और सवाल पूछ डाला जी हाँ देखिए बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और उनको ऑलरेडी पता है कि कैसे काम चलता है जैसा मैंने सिखाया ऐसे जाओगे तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा ऐसे एक्साइट करोगे तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा और नीचे तो बढ़ता ही है रोजी एच तो जरा दिमाग लगाइए ऐसा पॉइंट जो सबसे पीछे हो और सबसे नीचे हो बस समझ गए ये हिंट दे दी मैंने आपको ऐसा पॉइंट जो सबसे पीछे हो और सबसे नीचे हो पीछे और नीचे पीछे और नीचे अगर आप पीछे और नीचे वाली कहानी ऐड कर दे तो नीचे तो सीओ डी है और उनमें से भी पीछे हमारा सी है तो बेटा यहां लगा दो आप क्या नल की टोटी अगर नल की टोटी यहां खोली तो भयंकर प्रेशर की वजह से फ्लूड बहेगा इसका मतलब आपका सी पॉइंट का हाईएस्ट प्रेशर रहेगा क्लियर हाँ सर, है। सर, मुंडी घुमा दो जरा ऐसे ऐसे करके हाँ सर समझ में आ गया क्लियर हो गई वाली बात तो आपको प्रेशर वेरिएशन करना आ गया स्टैटिक फ्लूड में आपको प्रेशर वेरिएशन करना आ गया डायनेमिक नॉट डायनेमिक एक्चुअली एक्सेलरेटेड फ्लूड में डायनेमिक मतलब जब बहे अभी फ्लूड बह नहीं रहा है स्टैटिक ही लेकिन फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो अभी पढ़ाई स्टैटिक फ्लूड की ही चल रही है चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक जबरदस्त टॉपिक की जिससे क्वेश्चन तो से तब नहीं हिल अगर आप किसी भी फ्लूड को पकड़े और उसको कसके रोटेट करने लगे रोटेट तो रोटेट अपने बचपन में टंकी में हाथ डाल के ऐसे 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 हाथ घुमा करके पानी का एक करवेचर बना लेते थे बस वही है अगर आप वॉशिंग मशीन में लिक्विड uh, uh, डाल दें और थोड़ी देर उसको एक ही रोटेशन में देखें तो पानी ऐसा सरफेस पे चढ़ जाता है बस यही है वो चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं रोटेटिंग फ्लूड तो बच्चों जब भी हम किसी को एक कंटेनर में डाल के एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा फ्लूड जो है उसका जो ऊपर का सरफेस uh, है वो अब इस बार कर्वेचर बना लेता है और ये जो कर्वेचर होता है इस कर्वेचर की हम डायरेक्ट इक्वेशन याद रखेंगे तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि अगर कोई फ्लू को घुमा दोगे तो उसके कर्वेचर की क्या इक्वेशन आएगी दादा तो कर्वेचर की इक्वेशन ध्यान रखना सबसे पहले यहां पर बनाना जीरो कौमा जीरो कहां पर जहां पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन है जहां पर सबसे ज्यादा नीचे नीचे वाले पॉइंट को बना देना जीरो कॉमा जीरो सेंटर पे मैच करा के जैसी तुमने इसको बना लिया जीरो कॉमा जीरो अब इसकी इक्वेशन बनेगी y और x के टर्म्स में और y और x के टर्म्स में ये 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 कोई कोई सर्कल नहीं ये कोई बोला नहीं ये है हमारा कौन सा बोला पैराबोला तो ये जो कर्वेचर है दिस इज अ पैराबोलिक कर्वेचर और ये पैराबोलिक कर्वेचर की इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखनी है y इक्वल्स टू उमीगा स्क्वायर एक्स बाय टू जी

अब बच्चों इसमें जरा एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी किसी पॉइंट का प्रेशर लिखने का मौका मिला जैसे मान लीजिए मैंने 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 यहां 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 पर बनाया बनाया और और पे 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 डाटेड डाटेड लाइन लाइन बनाई बनाई आपसे यहां का प्रेशर पूछ लिया कहा का? का प्रेशर पूछ लिया अब यहां का प्रेशर कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनिएगा आप कैसे भी करके इस पॉइंट का सेंटर से दूरी देख लीजिए इस सेंटर से दूरी कितना हो गया लेट से एक्स तो सेंटर से दूरी अगर मिल गई x तो फिर अपने आप अप से हाइट पता चल जाएगा y by यूजिंग द इक्वेशन अगर x पता चल जाएगा तो y भी पता चल जाएगा और अगर y पता चल गया तो बेटा फ्री सरफेस का प्रेशर होता है p नॉट फ्री सरफेस का प्रेशर होता है p नॉट और p नॉट से नीचे आना तो बंधु तुम जानते हो p नॉट प्लस रो g h तो कभी भी तुमको ऐसे किसी a पॉइंट का प्रेशर लिखना है तो a का प्रेशर बन जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच की जगह रो रोजी वाई और y की जगह सर सर y की जगह ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर तो हम लोग यहां से P नॉट प्लस रो जीवाई वाई की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क् टू जी में जी जी को मार दो तो बेटा a का प्रेशर का फॉर्मूला तैयार हो गया P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू ये तुम्हारा प्रेशर होगा अगर तुम सेंटर से एक्स की दूरी पर नापने जाओगे अगर तुम सेंटर से एक्स की दूरी पर कभी भी प्रेशर नापने जाओ इस तरीके का को ध्यान रखना तो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं कि आपको अगर प्रेशर नापना है एट डिस्टेंस एक्स एट डिस्टेंस एक्स तो आप इस तरीके के प्रेशर के फॉर्मुले को लगा सकते हैं ओके तो सर कर्वेचर समझ में आ गया हम्म hmm. क्या तुमको प्रेशर लिखना आ गया? Hmm. क्या तुम्हें दो हजार समझ में आया hmm. क्या तो सेम सेम लेवल लेवल पे वाला बात समझ में आई? चलो hmm. चलो देखते हैं, हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है और वैल्यूज सिस्टम में है उसी यूनिट सिस्टम में पुट करनी है ठीक है चलो देखो इस सवाल को और करो उस सवाल को बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे पेन कॉपी लेके बैठेंगे सी कितने बच्चे में से आंसर ढूंढते हैं लेट सी कितने बच्चे एबीसीडी में से आंसर ढूंढते हैं।, हैं मैं भी तो देखू तुम पढ़ने आए हो या केवल मुझे देखने आए हो मैं भी तो देखू पढ़ने हो मुझे देखने आयो हम्म <laughs> 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 hmm. चलो 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 सिलेंडर वेजल Containing a liquid liquid is rotated about its its axis so that the the rises at its sides shown in the figure. तो so, बेटा एक बढ़िया सा तुम्हें गमला सा दिख रहा होगा मटका सा दिख रहा होगा वो ऐसे ऊपर का मटका मत देख वो बर्नी है वो बर्नी के नीचे देख क्या हो रहा है नीचे उसको कसके घुमा रहे हैं ना तो नीचे उसका सरफेस बन चुका है नीचे उसका पैरा बोला बन चुका है पैरा बोला है 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 वो वो पे जरा फोकस करिए आगे देखिए रेडियस रेडियस ऑफ़ ऑफ़ सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपको बता रहा है, जो है ना वो 5 का है. आप बताइए एंड स्पीड

ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू जी ठीक है जी अब ये पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो और ये पॉइंट है ये पॉइंट है एक्स में कितना चले जाओ एक्स में कितना चले जाओ पांच रेडियस बराबर तो रेडियस बराबर मतलब पांच चले जाओ तो एक्स में कितने चले गए छोटू पांच चले गए तो वाई में कितना गए होंगे मिल जाएगा मिल जाएगा एक्स की वैल्यू जल्दी पांच रखो आंसर पाओ एक्स की वैल्यू पांच रखो आंसर पाओ यूनिट सिस्टम वो सेंटीमीटर ही कह रहा है डोंट चेंज द यूनिट सिस्टम जो यूनिट सिस्टम उसने दिया उसी में ठूस दो तो बेटा वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बटे टू तो जी आंसर ढूंढो जी आंसर ढूंढो जी आंसर ढूंढो जी अरे हेलो हेलो आंसर ढूंढो ढूंढो कितना मिला ऑप्शन बताओ हाँ, जरा आंसर बताओ जल्दी से एवरीबडी देखते हैं कितनी प्रतिशत जनता आंसर ढूंढ के बता सकती है ओके okay, ठीक है सही है जबरदस्त तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों पच्चीस ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है जी क्लियर आपको केवल इक्वेशन याद रखनी है और आपको वो पैरा बोला की फीलिंग याद रखनी है जीरो कहां लिया था वाई क्या होता है एक्स क्या होता है हाइट क्या होती है

फ्री सरफेस के पास एक कांस्टेंट प्रेशर होता है फ्री सरफेस के पास एक कांस्टेंट प्रेशर होता है फ्री सरफेस के पास एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। इज इट ट्रू इज इट ट्रू इज ट्रू क्या हमारे फ्री सरफेस जो फ्री सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है क्या उस पर एक सा प्रेशर होता है या यहां भी प्रेशर वेरी करता है मतलब कहने का मतलब है क्या आप यहां पर और यहाँ 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 पर यहाँ पर क्या इसका ट्रू इट इज ट्रू सर लेकिन यहाँ तो हाइट अलग अलग है तो फ्री सरफेस वैसे ही जब वो तुम्हारी जो गाड़ी एक्सलेट करी थी तब तुम्हारा जो लिक्विड टेढ़ा हुआ था उसका फ्री सरफेस का प्रेशर एक सा था

मान लीजिए आपने किसी स्पंज को दबाया क्या दबाया स्पंज दबाया तो अगर आप स्पंज को दबाते हो तो ऐसे में होता क्या है आप उंगलियों से ताकत लगाते हो स्पंज को दबाने में अब आप उस पर क्या लगा रहे हो फोर्स लगा रहे हो हाँ सर एरिया के परपेंडिकुलर लगा रहे हो हाँ सर तो बेसिकली आप वहां प्रेशर क्रिएट कर रहे हो हाँ सर अब मान लोजिए इतना बड़ा स्पंज है आपने यहां से दबा दिया यहाँ तो ऐसे में प्रेशर क्या हुआ स्पंज का कुछ कुछ पॉइंट्स में इंक्रीज हो गया लेकिन अगर हम स्पंज के सेंटर पे चले जाएं तो क्या वहां प्रेशर इंक्रीज हुआ मेरे ख्याल से नहीं अगर हम ऐसा माने कि हमारी ताकत स्पंज के सेंटर तक नहीं पहुंची है तो इमेजिन करिए कि अगर मैं चार तरफ से ताकत लगा रहा हूं और वो चीज दबे जा रही है चारों तरफ से और तो मैं सेंटर पे अगर पहुंचू तो अभी वो दबाव सेंटर तक नहीं पहुंचा है हाँ मैं उसको कर तो तो अलग बात है लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी फोर्स तो अभी प्रेशर जो है इसका मतलब ऐसे में आपका जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है क्या नहीं हुआ है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है लेकिन अब मैं आपको दूसरा सीन बताता हूं दूसरा सीन सुनिएगा जिसमें अब हम ना क्या कर रहे हैं एक लिक्विड ले रहे हैं एक लिक्विड एक लिक्विड ले लेते हैं ठीक है और एक लिक्विड को एक काम करते हैं एक काम करते हैं, चार पिस्टन लगा देते हैं चार पिस्टन और इन चार पिस्टन से लिक्विड में आई, आई ताकत आई ताकत आई ताकत आई ताकत चार ओर से ताकत लगाते हैं अब आप समझदार हो लिक्विड में स्पंज जैसा वॉल्यूम नहीं बचा है लिक्विड में अपने वॉल्यूम को चेंज करने की आदत नहीं होती लिक्विड हमारे इनकम इन नेचर होते हैं मोस्टली तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा अगर आप यहां से धक्का लगाओगे तो वहां धक्का पहुंच जाएगा वहां से लगाओगे तो यहां फिर यहां अगर आप चारों ओर से धक्का लगा दोगे तो प्रेशर ओवरऑल इंक्रीज होगा आप हर पॉइंट का प्रेशर इक्वली इंक्रीज होता हुआ देखेंगे ऐसा कोई भी पॉइंट अछूत नहीं रह जाएगा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रह जाएगा जिस पे आपका प्रेशर इंक्रीमेंट नहीं हुआ हो इसी चीज को कहते हैं पास्कल्स पास्कल्स लॉ। लॉ, अगर आप किसी भी में एक जगह प्रेशर बढ़ाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे फ्लूड में ट्रांसफर हो जाता है आपको बार बार हर पॉइंट के पास जाके स्क्वीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसी लॉ को कहते हैं बच्चों पास्कल्स लॉ दैट इज द प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम वन डायरेक्शन अगर आप उसको एक डायरेक्शन से भी इंक्रीज करोगे तो वो चार तरफ हो जाता है चार फोर्स लगाई ऐसे में तो बताइए प्रेशर मैंने कितना इंक्रीज किया तो चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं एक है एफ बाई ए और एक है टू एफ बाई ए और एक है फोर एफ बाई ए और एक है

देखते हैं कितने बच्चे जल्दी जवाब देते हैं इसका फटाफट फटाफट फटा फटा जवाब दो मजा आएगा बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में क्योंकि आपको ना ऐसा फील करा दूंगा कि आप कभी भी ऐसा भूलोगी नहीं फ्लूड्स को प्रेशर का टर्म एकदम आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है जरा बताओ पास कर लो एकदम क्लियर करते हैं अभी आपका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है बहुत जबरदस्त देखो कुछ बच्चों का जवाब है है ना लेट्स बी ऑनेस्ट

तो वो ताकत अपनी वहां से ट्रांसफर हो चुकी है ये ताकत वहां पे ट्रांसफर हो चुकी है ये ताकत यहाँ पे ट्रांसफर हो चुकी है तो ऐसा इमेजिन करो वो रोकने के लिए तुम्हें एफ लगानी पड़ रही है इस एफ से तुम प्रेशर इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो

सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट अब बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है आप समझदार हैं आपने देखा होगा कभी कभी हम गाड़ी पंचर वंचर हो जाती है तो हम गाड़ी के नीचे वो एक आ, वो लगाते हैं हाइड्रोलिक है।। लगाते हैं और खच 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 कर उसको उठा लेते हैं गाड़ी उठ जाती है यार गाड़ी उठ जाती है हमारे हाथ की ताकत से इसको हाइड्रोलिक कहते हैं इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं हमने एक वीडियो भी डाला था अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप चेक करिएगा उसमें हमने एक पिस्टन बनाया था है ना हाथ से पिस्टन बनाया था उससे ईटी उठा के इधर दिखाई दी वो भी एक हाइड्रोलिक के कॉन्सेप्ट आधारित था तो हाइड्रोलिक क्या होता है हाइड्रोलिक का मतलब होता है जब आप लिक्विड की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं उसकी इनकमिटी को यूज करते हैं और एक जगह ताकत लगा के उसका प्रेशर बढ़ा करके दो दूसरी जगह वही प्रेशर को ट्रांसफर कर पाते हैं और दूसरी जगह बड़ी फोर्स को प्राप्त कर पाते हैं इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट या सिंपल शब्दों में आप कहेंगे हाइड्रोलिक्स अब कैसे काम करता है ध्यान से देखिएगा तो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम है जो आपने पहले भी देखा होगा यहां पर मैं क्या कर रहा हूं एक जगह मैंने एरिया को कम रखा हुआ है यहां आप देख सकते हैं ये एरिया मेरा कम है और एक जगह मैंने एरिया ज्यादा रखा है जहां मुझे गाड़ी उठानी है है उसका एरिया मेरा ज्यादा ज्यादा तो मैं A2 को बड़ा रखता हूं A1 से जितना अंतर होगा उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा इस बात का ध्यान रखना तो तुमने एक जगह एरिया बड़ा रखा है एक जगह एरिया तुमने छोटा रखा है अब मैंने क्या बताया प्रेशर इक्वेट हो जाता है जितना प्रेशर यहां बढ़ाओगे वो ट्रांसफर हो जाएगा हर जगह पास लॉ तो अगर तुमने क्या किया यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज किया तो यही प्रेशर यहाँ पे भी पहुंच जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा तो लेट से यहां तुमने लोड लगाया एफ वन या तुमने यहां पर फोर्स लगाई एफ वन तो बेटा जरासी ताकत में तुमने यहां तो प्रेशर बढ़ा लिया वाह बल्ले बल्ले तो यहां तो प्रेशर बढ़ाना बहुत आसान था क्यों

क्योंकि हमें पता है वहां प्रेशर तो सेम पहुंचा है लेकिन फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है तो ये जो इक्वेट किया मैंने ये इक्वेट किसकी मदद से किया पास्कल्स लॉ की मदद से क्या करा F1 वन बाई ए वन इक्वल टू एफ जितना प्रेशर यहाँ इंक्रीज हुआ होगा उतना प्रेशर यहाँ भी इंक्रीज हुआ होगा बाय यूजिंग पास्कल लॉ अब आप एफ देख सकते हैं कितना बड़ा आया होगा तो एफ कहलाएगा ध्यान से देखना एफ दस गुने का अंतर है तो एफ टू एफ भी दस गुना अंतर रखेगा अगर ए टू एवन में सौ गुने का अंतर है तो एफ टू एफ वन में भी सौ गुने का अंतर होगा और तुम्हारी जरा सी नन्नी मुन्नी सी ताकत बड़ी बड़ी काम करके दिखाएगी बड़ी बड़ी ताकत लगा के दिखाएगी ये तुम्हें फील करके रखना है बहुत ही सिंपल है तुम लोग याद रखोगे मुझे फॉर्मिला सौ चार सौ चार सो और टू फाइव सिक्स डबल जीरो ऐसे खतरनाक खतरनाक ऑप्शन है आप जल्दी से आंसर मार्क करेंगे ठीक है हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 के जी वेन अस एम

तो मान लो हमने अभी देखा कि वो सौ किलो का सामान उठा पा रही है हमारी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो सौ किलो का सामान उठा पा रही है अगर हम यहां तो नंबर वन बनाते हैं हमने एक तरफ रखा M G मास वहां पे एरिया था छोटू छोटू ये नंबर है ठीक है और वहां पे हमने उठा लिया कितना कितना उठा लिया भैया कितना उठा लिया सौ किलो सौ किलो उठा लिया सो जी वजन के हिसाब से सो जी और वहां एरिया था ए टू यह पहली इक्वेशन है

तो डायमीटर का स्क्वायर मतलब सोलह हो गया हाँ सर तो मतलब ये एरिया तुम्हारा कितने गुना हो गया है सोलह गुना सर और ये एरिया कितना गुना कम हो गया है सर गुना कम हो गया है तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब नया कितना वजन उठा सकते हैं तो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर टू इस तरफ सेम वजन रखा इस तरफ एरिया रखा एवन बटे सोलह और यहां पर सौ की जगह लिखा एक्स क्योंकि अब हमें एक्स उठाना है सो एक्स जी उठाना है हमें वजन और नीचे रखा 16 गुना ए टू अब आप देख सकते हो कितना आंसर में अंतर आया इफ यू डिवाइड देम यू विल गेट द आंसर तो डिडमेट दी बाई a1 ये कैंसिल हुआ यहां ऊपर सोलह और यहां पर देखना जरा जी और जी कैंसिल हुआ है ना यहां पर क्या बना ए टू ए टू कैंसिल हुआ ये सोलह पहुंचा ये ये सोलह हाँ जी एक बार देखना इसको ये सोलह गुना नीचे था ओहो ये इसके भी नीचे है

ए टू ने ए टू को मारा और यहां कितना आया सौ बटे एक्स इंटू सोलह सोलह ऊपर पहुंचेगा तो सोलह और ऊपर आएगा सौ और नीचे आएगा एक्स बच्चों आंसर बहुत क्लियर है अगर मैं X की वैल्यू निकालू तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सोलह इंटू सोलह इंटू सो आंसर देखो दो हजार सॉरी पच्चीस हजार छ सौ पच्चीस हजार छह सौ क्लियर एकदम परफेक्ट मैं ना मैं ये आपके लिए करता हूं तेज स्टेप्स अगर दिमाग लगाए ना बेसिक तो कॉमन सेंस से जवाब हो जाते हैं देखो मेरे को पहले ही पता चल गया था कि एक का एरिया 16 गुना कम किया गया है और एक का एरिया 16 गुना बढ़ाया गया है हाँ सर तो बेटा दोनों के एरिया मल्टीप्लाई करेंगे अगर 16 16 तो पूरा खेल 256 गुना बढ़ गया है हां सर सीधा आंसर लिख देते 256 पहले कितना तो उठा पा रहे थे 100 तो अब उठा पा लोगे 256 100 दैट इज 25600 आप ऐसे भी कर सकते हो बट फिर भी ठीक है मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हाँ ठीक है ये स्टेप प्रोसेस है बट अगर आप अपने रेशो मेथड से जल्दी कर पाते हो दिमाग से जल्दी कर पाते हो तो वो भी कोई गलत मेथड नहीं है ठीक है एकदम परफेक्ट पास्कल लॉ का क्वेश्चन देखा कितना आसान रहता है बिल्कुल यही आता है पास्कल लॉ का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पढ़ते हैं अगली चीज है हमारा टॉपिक नंबर तीन दैट इज प्रिंसिपल प्रिंसिपल अब बच्चों ना बहुत बच्चों को दिक्कत देता है वैसे तो ये टॉपिक ना नाइन्थ क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है बच्चों को आइडिया रहता है कि कौन सी चीज फ्लोट करती है कौन सी चीज सिंक करती है लेकिन वो बहुत ही कम पढ़ते हैं वो ना बहुत ही कम पढ़ते हैं क्या कम पढ़ते हैं मैं आपको बताऊं

वो अपथ्रस्ट और बायसी का कॉन्सेप्ट बताया लोगों को कि भैया एक फोर्स ना पानी में डूबती ही लग जाती है ऊपर की तरफ जो ऐसी पानी में घुसे हल्का हल्का सा लगता है हैं वो हल्का हल्का सा जो लगता है तुम्हें वो किस वजह से लगता है क्योंकि तुम पे एक नई फोर्स लगने लगती है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायसी या सिंपल शब्दों में कहते हैं अपथ्रस्ट अब ये फोर्स कितनी होती है जरा ध्यान से सुनिएगा फोर्स उसी वजन ऑफ लिक्विड के बराबर होती है जितने वजन के लिक्विड को तुमने हटाया है तो जब तुम पानी में पैर डालते हो तो तुम अपने पैर डाल के वहां का पानी डिस्प्लेस करते हो और जितना पानी तुम डिस्प्लेस करते हो उतने पानी का वजन का बायसी तुम्हारे पैर को झेलना पड़ता है सिंपल सी बात है कल के दिन तुम कहीं जाओ किसी को रिप्लेस कर दो है कल के दिन तुम किसी ग्रुप में गए है ना वो ग्रुप में एक उनका दोस्त था वो बहुत ना पैसे खर्च करता था और तुम गए और तुम्हें अब तुमने उस दोस्त को रिप्लेस कर दिया तो अब तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे बिल्कुल सही तो ऐसे इमेजिन करिए कि जब आपने आपने तो आपने पानी 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 में पैर डाला तो तो को को रिमूव किया आपने पानी को डिस्प्लेस किया डिस्प्लेस तो जितना पानी था ना वो गुस्से में आ जाता है जिसको आपने डिस्प्लेस किया तो बाकी पानी ना गुस्से में उसके ऊपर फोर्स लगाता है आपके पैर के ऊपर कितने के बराबर जितना पानी आपने डिस्प्लेस किया तो हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं द फोर्स ऑफ बायसी इज इक्वल टू द

रो जिसमें डूबे हो क्या बोला मैंने रो अरे मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं रो जिसमें डूबे हो वी जितना डूबे हो जितना डूबे हो इसको बोलते हैं वॉल्यूम और समी तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे सब जानते हैं सो जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तुम्हारा बायसी फोर्स का कॉन्सेप्ट है आज के बाद कभी भी तुम्हें बायसी फोर्स लगानी है तो सिंपल लगाना रो वी जी रो जिसमें डूबे हो उसकी डेंसिटी वी जिसमें डूबे हो सॉरी जितना डूबे हो वो वॉल्यूम समझ और जी हमारा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है क्लियर एकदम परफेक्ट है चलो बहुत बढ़िया हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो गया सर हमें बायसी फोर्स कितनी लगानी है हमें अब समझ में आ गया है अब बच्चों बायसी के क्वेश्चन या बायसी के कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आते हैं वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा या बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं है ना क्या लगता है आपको बाइंसी लगती कहां होगी एक छोटा सा क्वेश्चन होता है मेरे को बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बहुत मजा आता है इस क्वेश्चन को पूछने में कि बताओ बायसी कहां लगती होगी तो मेरा क्वेश्चन है बायसी एक्ट ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी बायसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगती है क्योंकि हमें ये तो पता है अपवर्ड लगती है हमें ये तो पता है ऊपर की तरफ लगती है लेकिन अगर कल के दिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मौका मिले तो बायसी को लगाओगे तो लगाओगे कहा क्या बॉडी के सेंटर पे लगा दोगे क्या बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगा दोगे बायसी को जरा लेट सी कितने बच्चे कहते हैं कि बायसी को कहा लगाना चाहिए कितने बच्चे बोलते हैं कि बायसी को सेंटर ऑफ मास पे लगा देना चाहिए ये रहा सेंटर ऑफ मास ये रहा आपका बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या बायसी को सेंटर ऑफ मास पे लगा दें रोवीजी अव्वर्ड रोवीजी अवर्ड या दूसरा देखे 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 कितने बच्चे दे। ओके ठीक है तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ट्रू और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फॉल्स जितने बच्चे ट्रू कह रहे हैं वो अभी उतनी बातों को जानते नहीं है शायद समझते नहीं इसलिए वो हाँ कह रहे हैं और जितने बच्चे फॉल्स कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो तुक्का मार रहे हैं अपने दिमाग से कह रहे हैं बट अगर कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों इसका सही जवाब है फॉल्स क्योंकि आपकी बायसी पता कहां लगती है मैंने जैसा बोला ना जिसको हटाया है ना जिसको आपने रिप्लेस किया है ना उसके सेंटर पे अब आप देखो कहीं यहाँ कभी पानी हुआ करता था जहां तुमने जगह बना ली है कभी यहाँ कहीं पानी हुआ करता था और तुमने उस जगह को रिमूव कर दिया है तो वो जगह पे जो पानी हुआ करता था उसके सेंटर पे लगती है बायसी इस सेंटर को मेटा सेंटर कहते हैं

अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा है और जिसमें ये डूबा है उसकी डेंसिटी रो है तो जरा जल्दी से बताओ कितना प्रतिशत वॉल्यूम अंदर है रेस या बोल सकते हैं कंपेयर विद द टोटल वॉल्यूम या हाइट भी कंपेयर करा लेते हैं कभी हाइट पूछ लेते हैं कभी वॉल्यूम पूछ लेते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं हाइट और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है अगर क्यूब रहता है या सिलेंडर रहता है तो आपसे पूछेंगे कितना वॉल्यूम अंदर रह गया और कितना वॉल्यूम टोटल था उसका कितना फ्रैक्शन अंदर चला गया

अगर हम इन दोनों को कैंसिल करें जी से जी को तो बेटा हमें समर्ज का ओरिजिनल के साथ रेशो पता चल जाएगा और समर्ज का ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ रेशो होता है समर्ष्ट का ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ रेशो होता है सिग्मा बाय रो सिग्मा जो डूबा है रो जिसमें डूबा है तो अगर आप इन दोनों का रेशो निकाल लेते हो तो आपको वो भी रेशो पता चल जाता है

बॉयंसी कहेगा नहीं 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 रोको तो लेकिन जीतेगा एम जी एम जी माइनस बॉयसी इक्वल टू मॉस इन टू एक्सोलेशन ये तुम्हारा सिंकिंग की इक्वेशन बनती है अब एम की जगह देखो इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि तुम मास को रिप्लेस करना सीखो तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखना सीखो ये बहुत बार काम आता है सो so, मास को मैंने फिर से क्या लिखा सिग्मा इंटू देखो देखो मेरे जल्दी से यहां भी लिखा था मास को सिग्मा इंटू वी देखो यहां भी लिख दिया सिग्मा इंटू वी माइनस बाएनसी बोलो बायसी बोलो बाएनसी बोलो सर सर रो वी, जी। अच्छा वॉल्यूम क्या है इस बार सर जितना टोटल वॉल्यूम है सर पूरा डूब गया ना तो इस बार कोई अंतर ही नहीं है वॉल्यूम में और ओरिजिनल वॉल्यूम में सर वॉल्यूम मतलब पूरी डूब गई ना बिल्कुल सही बिल्कुल सही रो पूरी वॉल्यूम इंटू जी और यहां भी सिग्मा पूरी वॉल्यूम इंटू जी मास इनटू एक्सेशन और बेटा मास कितना है फिर से लिख इनटू वी इनटू ए बच्चों यहां से आता आता है 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 बहुत सुंदर सा आंसर आता है। वी 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 ये कैंसिल हो जाता है। सिग्मा नीचे आता जाएगा और बच्चे का वन माइनस रो सिग्मा जी। ये आपका के का आंसर है। किसका सिंकिंग के एक्सेलरेशन का आंसर है तो कभी भी कोई बॉडी सिंक करे उसके एक्सेलरेशन का ये होता है। अगर ये रो सिग्मा आगे आ जाता और वन पीछे चला जाता कोई दिक्कत नहीं आती आंसर वो भी आ जाता फिर से रटना नहीं है कॉन्सेप्ट देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगाया तो सिंकिंग के लिए ऐसी इक्वेशन बनती है फ्लोटिंग के लिए बैलेंसिंग इक्वेशन बनती है इन दो इक्वेशन को मन में फिक्स कर लो ओके सर ओके 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 सर सवाल कैसे आते हैं दिखाता हूं सवाल दिखाता हूं इधर देखो सवाल नंबर एक तो ये तुम्हारा फ्लोटिंग पे आधारित सवाल है अच्छे से सवाल को देखो आपको बहुत आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड पॉइंट फाइव मीटर फ्लोरस ऑन वॉटर With 30 of its volume underwater. हमारा एक ट्यूब है जो फ्लोट कर रहा है पानी में इसकी तीस प्रतिशत है ऑटोमेटिकली सत्तर वॉट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट फुल्ली समर्जिंग इट अंदर वॉटर आपको कितना ज्यादा से ज्यादा वजन इसके ऊपर रख सकते हो कि ये डूबे कि ये डूबे कि डूबे कि, डूबे, कि, डूबे, कि, डूबे, कि डूबे और पूरा नहीं डूबे मतलब अप टू द लेवल आ जाए एकदम बराबर मैच कर जाए तो ऐसे में आपसे पूछा जाएगा बताओ कितना वजन इसके ऊपर रख सकते हो सो so बेटा एक काम करते हैं इसके ऊपर कुछ मास रख देते हैं कितना रख देते हैं सर एम मास रख देते हैं। रख देते देते हैं हैं ऊपर सब्जी का वो सामान वो बाट जिससे हम सब्जी तुलवाते हैं वो सब्जी वाला बाट रख देते हैं इसके ऊपर हमने कितने किलो का बाट रख दिया हमने एम किलो का बाट रख दिया जैसे हमने एम किलो का लोड रख दिया वजन रख दिया ये डूबा ये डूबा ये गिरा ये गिरा हमारा मेन मुद्दा क्या है हमारा मेन मुद्दा यह है जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसकी बाहर है हम उसको डुबा दें देखो जो पहले से बैलेंस्ड बैलेंस्ड है है वो तो बैलेंस 30 तो पहले से बैलेंस्ड है बहुत बच्चे टाइम पास करते हैं पहले इसका वजन लिखते हैं फिर पूरी बाइनसी लिखते हैं अरे इतना टाइम पास क्यों करना बोंदू सीधा दिमाग लगाओ ना कितना वजन तुम्हें ऊपर रखना है जितना एक्स्ट्रा तुम्हें डुबोना है सर हमें कितना एक्स्ट्रा डुबोना है अरे सत्तर प्रतिशत डुबोना है तुम्हें तो परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम तुम्हें और डुबोनी हाँ जो बायसी मिलेगी वो ये होगी हा सर तो तुम्हें इस को काउंटर करना है तुम्हें इस बायसी को बैलेंस करना है जो पहले से डूबा हुआ है वो उसके वजन को पहले से बैलेंस कर रहा है उस पर दिमाग मत लगाओ तुमने जो वजन रखा उससे जो एक्स्ट्रा बायसी नीचे डूबते में एक्स्ट्रा बायसी क्रिएट होगी तुम्हें उसको बैलेंस करना है तो मैं ये पार्ट से जो बनने वाली अंदर जाकर उससे बैलेंस होना है तो इसको हम बराबर रखेंगे? Mg के बराबर रखेंगे और यहां से हमारा जबरदस्त जी, जी।, जी ने जी को मारा रो की वैल्यू देखो छोटू रो की वैल्यू टेन की पावर थ्री सत्तर बटे सौ और जरा बताना ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी सर देखो क्यूब दिया था सर क्यूब दिया था पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फाइव है ना जी क्यूब का वॉल्यूम 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 m आएगा बिल्कुल आएगा बेटा एक काम करो दस यहाँ लिख दो दस यहाँ लिख दो दस यहाँ लिख दो है ना और चाहो तो 10 की पावर थ्री से सब निपटा दो निपटा दिया सर एकदम निपटा दिया 00 इसको निपटा दो अब देखो यहाँ कितना बचा यहाँ बचा 125 और यहाँ बचा सात और नीचे बचा 10 तो m की वैल्यू आ रही है 125 7 10 आप चाहो

87.5 87.5 क्या 87 एक ऑप्शन है? 87.5 बी क्लियर है बाइंसी समझ में आ रही है हाँ सर बाइनसी समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी अब क्लियर हो रही है बाइनसी तो आपको बाइनसी कितनी लगानी होती है हमेशा जितना वॉल्यूम डूबा है इंटू रो इंटू जी और इसमें मैंने पूरी वॉल्यूम क्यों नहीं यूज करी जबकि पूरा डूब गया है. मेरे को पता था, मेरे बाट रखने से क्या हो रहा है मेरे वजन रखने से क्या हो रहा है केवल ऊपर ऊपर का जो अभी डूबा नहीं है वो डूब रहा है आपको जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग मिले ये दो में आया हुआ सवाल है लेट सी कितने बच्चे इस सवाल को जबरदस्त तरीके से निपटाते हैं एन एयर बबल ऑफ रेडियस वन सेंटीमीटर इन वॉटर अपवर्ड

सर वन सेंटीमीटर तो इसका रेडियस लिख देते हैं जल्दी से बगल में वन सेंटीमीटर क्यूट सा ये इसका क्यूट सा रेडियस वन सेंटीमीटर इन वाटर हैज एन अपवर्ड एक्सेलेशन और ये ऊपर की तरफ जा रहा है अब बेटा बबल ऊपर क्यों जा रहा होगा क्योंकि उसका एम कम पड़ गया होगा और बायसी जीत गया होगा तो ये हम जो पढ़े उसी का उल्टा केस है हाँ 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 हम जो पढ़े उसी का उल्टा केस है बिल्कुल सही तो हमको अगर इक्वेशन याद भी नहीं है हम बनाएंगे खुद से बनाएंगे आइए सी का लगा ऊपर लगा का लगा ऊपर लगा एम जी का लगा नीचे लगा और क्या कर रहा है ये ये एक्सेलरेट कर रहा है ये एक्सेलरेट कर रहा है क्या बनेगी माइनस एफ बी इक्वल टू एम एम जी माइनस एफ बी इक्वल टू एम ए

एम निकालना है गलती बिल्कुल नहीं करेंगे यूनिट सिस्टम का ध्यान रखेंगे ठीक है आप देख सकते हो पूरे यूनिट सिस्टम सीजीएस सिस्टम से और जी की वैल्यू भी इन्होंने सीजीएस में दे रखी है इसलिए गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे चलिए बाहिंसी का फॉर्मला सर बाहिंसी का मैं बताऊं सर मैं बताऊं रो वी जी तो रो वी जी माइनस एम जी। अब एम को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एयर की डेंसिटी नहीं दी गई है

तो फोर बाय थ्री r क्यूब बोले तो वन का क्यूब ये हमारी क्या होगी वॉल्यूम और इन टू इक्वल्स टू अभी जी की वैल्यू में पुट कर सकता हूं बट अभी नहीं कर रहा अगर चाहो तो नाइन एटी पुट कर दो लेकिन कैलकुलेशन रुक जाओ शायद एंड में बच जाए उधर कुदाओ एम को और जी को एम जी को बोलो भैया अपने दोस्तों के पास जाओ एम जी जब उधर जाएंगे तो क्या बनेगा एम जी प्लस तो वहां जाके तैयार हुआ एम प्लस ए अब बताओ जी कितना है सर 980 सौ हम्म क्या है दोबारा बोलो सर 980 और बेटा ए कितना है सर 9.8 बेटा 980 में 9.8 जोड़ोगे तो कोई खाक जुड़ेगा क्या बोल रहे हो सर हाँ 980 में 9.8 जोड़ोगे तो कोई खाक जुड़ेगा 980 9.8 जोड़ के कितना बना लेगा 980 से क्या दस हजार ग्यारह हजार हो जाएगा नहीं सर 900 सी में 9.8 मतलब 10 भी जोड़ा तो 990 ही होगा मतलब इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों तो ये कैलकुलेशन बचाने वाले स्टेप्स होते हैं जब आपको दिख रहा है कि जी में ए ऐड हो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा तो आप इसको वापस से जी ही लिख दो और जब आप इसको जी लिख दोगे तो आपका जी जी का हिसाब हो जाएगा किसका जी जी का हिसाब हो जाएगा जबकि गलत है आपको पता है ये जी और उस जी में थोड़ा अंतर है

यस यस 4.15 क्लियर क्लियर एकदम जबरदस्त समझ में आ गया तो देखो मैंने बायस समझाई आपको और एक फ्लोटिंग केस समझा दिया और एक एक्सलेटेड केस समझा दिया जिससे क्या हुआ आपको दोनों फॉर्मले लगाने का मौका मिला इक्वेशन लगाने का भी मौका मिल गया और आपको एक बार ऊपर से कितना वजन रखें कि वो डूबे डूबता जाए या कितना वजन रखें कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डूब जाए वो भी आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पर क्लियर कर दिए हैं ठीक है ठीके? तो ये तुम्हारा बायसी वाला पार्ट यहां पर या आर्किमिडीज वाला पार्ट यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट होता है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक की लिस्ट जो भैया सबसे ज्यादा आपसे पूछने आएगी तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है दिस इज द जस्ट थर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ द लेक्चर लेकिन अब जो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा ये सबसे भयंकर अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन है क्या चलो ये क्वेश्चन बाद में पूछेंगे ना ये क्वेश्चन बाद में पूछेंगे आओ एक जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक को हम लोग पहले भी जानते हैं किस नाम से पुकारा जाता है और ये टॉपिक ना बहुत फेवरेट टॉपिक होता है अगर जेई और नीट वालों को देखें तो उसके 30 टू 40 परसेंट होते हैं फ्लूइड्स में इसके आने के तो जरा पढ़ते हैं ये टॉपिक क्या क्या है दैट इज डायनेमिक से रिलेटेड अब बच्चों जब डायनेमिक फ्लूड की बात होती है तो डायनेमिक फ्लूड का मतलब जब फ्लूड बहने लगे हम सबसे पहले ना इस फ्लूड पे कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं क्या कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए है ना विस्कस नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होनी चाहिए ड्रैग फोर्सेस नहीं होनी चाहिए लिक्विड टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए ये सब हम इस पर पहले से कंडीशन लगा के काम करते हैं तो इस कंडीशन को लगाने के बाद हमारी दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन तैयार होती हैं, जिनमें से पहली इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरी इक्वेशन का नाम है बर्ड इक्वेशन पहले मैं आपको कंटिन्यूटी का याद दिलाता हूं क्या होती है कंटिन्यूटी तो अगर हम किसी भी फ्लूइड को एक पाइप से धक्का दे और दूसरे पाइप के छोर से निकालें तो ऐसी कंडीशन में वो फ्लूइड एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल मैं आपसे पूछूंगा बताऊंगा नहीं बट एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, है। यहाँ के एरिया और यहाँ की रिलेट करने वाली उस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं तो क्या होती है इक्वेशन ध्यान से सुनिएगा एवन विवन

एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एरिया कैसे बनता है मीटर स्क्वायर से और का कैसे बनती है मीटर इक्वेशन तो तो, तो है मतलब कितना वॉल्यूम एक सेकंड में घुसा इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम एक सेकंड में निकला तो पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम घुस रहा है पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम निकल रहा है ये इसकी फीलिंग है

ये इक्वेशन किस चीज पे आधारित है किन क्या बेसिक्स फॉलो होते हैं इस इक्वेशन के लिए जरा वो देखते हैं तो क्या आपको पता है हमारी कंटिन्यूटी किस चीज पे आधारित है देखे भाई देखे कंटिन्यूटी किस टाइप की चीजों पे बेस्ड है अभी पता चल गया इवन विवन इक्वल टू ए टू बी टू होता है लेकिन किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आता है किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आता है ऑप्शन है आपके पास मास कंजर्वेशन से आता है ऑप्शन टू है एनर्जी कंजर्वेशन से आता है ऑप्शन सी है

टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो टू सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द आउटलेट इज अच्छा यहां से पुश कर रहे हैं तो so, यहां का एरिया टू सेंटीमीटर स्क्वायर है छोटू तो so, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिससे वो बाहर निकला है पतले पाइप से वो एरिया है टेन एम एम स्क्वा देखो यूनिट सिस्टम का खिलवाड़ खेला गया है सो टेन एम एम स्क्वायर यहाँ का एरिया है इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट द स्पीड ऑफ फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ आउट गोइंग फ्लूड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर आपने चलिए देखिए कितने आराम से निकलेगा एवन वीवन इक्वल टू ए टू बी टू बस यूनिट सिस्टम का कृपया करके सही फॉलो करें तो एवन वी वन आप ध्यान से देखेंगे टू सेंटीमीटर स्क्वायर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर mm में जाना है तो तो सेंटीमीटर में टेन और लगा दो तो मिलीमीटर बन जाता है, राइट लेकिन स्क्वायर है तो क्या मैं दस का स्क्वायर और लगा दू तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया हाँ तो ये हो गया मेरा मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट ठीक है और वेलोसिटी को मैं क्या रखता हूं वेलोसिटी को जो वो कह रहे हैं उसी में रखते हैं फोर सेंटीमीटर तो फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू देखो अच्छे से मैंने एरिया चेंज किया वेलोसिटी चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे में तो मैं को में हासिल कर है, तो और वेलोसिटी निकालनी है मुझे सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो बेटा जी आपको कोई नहीं रोकता जी अब देखो कितना आंसर आएगा टू इंटू हंड्रेड इंटू फोर Equals to 10 v. आप देखो आंसर बन गया टू जा एट, एट टेन जा एटी, आंसर विल बी, बी। तो आंसर तो क्लैरिटी एकदम परफेक्ट है हाँ सर समझ में आ गया ये एवन वीक्वल टू ए टू वी टू इक्वेशन बहुत ही आसान है बस हम यूनिट सिस्टम का ध्यान रखेंगे तो हमको गलती नहीं करनी है इस बात पे क्लियर एकदम

इस इक्वेशन को कहते हैं है है, है, हमारे लिक्विड में कोई, कोई ड्रैग नहीं है वो सारी चीजें इनकम्प्रेसिबल है डेंसिटी कांस्टेंट है यहां से जो फ्लूड घुस रहा है वहां से वही फ्लूड निकल रहा है ऐसा नहीं यहां से घुस घुच रहा है वहां से निकल कुछ रहा है अगर हम ये सारी कंडीशन को अपनी फिक्स कर ले अपने दिमाग में फिक्स कर ले तो हमारे यहाँ वाले फ्लूड और वहां वाले फ्लूड के बीच में जहां से घुसता है और से निकलता है उसके बीच में एक इक्वेशन और है जो हम लगा सकते हैं ये इक्वेशन मैं फिर से आपसे पूछूंगा किस कंजर्वेशन पे आधारित है लेकिन अभी मैं पहले इक्वेशन लिख के बताता हूँ अगर मान लीजिए ये पॉइंट है वन और ये पॉइंट है टू यहाँ से जहां से फ्लूड बाहर निकल रहा है ये पॉइंट है टू यहां से फ्लूड बाहर निकल रहा है चूपे और ये पॉइंट जहां से फ्लूड घुस रहा है ये वन है तो ये है और ये पॉइंट पॉइंट है यहां है P1 और यहां पर फ्लूड का प्रेशर है और पर का प्रेशर है तो यहां के फ्लूड की हाइट है एच वन और यहां के फ्लूड की हाइट है एच टू तो दोनों के बीच में एक किसी भी पॉइंट को चुन लो एक पॉइंट यहां का और एक पॉइंट यहां का तो इन दोनों में आप इक्वेशन ऑफ बर्नौली या बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कहती है सर बर्नौली बर्नौली कहती है कि प्रेशर पी वन प्लस रो मतलब हाइट प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दूसरी तरफ कूदो पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर दो लोगों के बीच में बर्नौली लगाने की ये तुम्हारे अंदर फीलिंग होनी चाहिए दिस कॉल्ड इक्वेशन। और अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं जब मैं कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है एनर्जी तो एम जी एच होती है छोटू ये तो रो जी एच है इसका मतलब ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसका मतलब ये एनर्जी नहीं एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब एनर्जी डेंसिटी है तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी नॉट एनर्जी एग्जैक्टली क्लियर एकदम परफेक्ट सर ये क्वेश्चन लोहाना हमको समझ में नहीं आता है मैं बताता हूं मैं बताता हूं पहले आप मेरे एक सवाल का आंसर करना पहले इस क्वेश्चन को रट रटो पी वन प्लस रोजी एच वन प्लस स्वयं तो प्लस एस टू प्लस रो, पहले तो इस को याद कर लो एक पॉइंट पे यान प्लस एच वन प्लस पी तो टू प्लस रोज एच टू प्लस आरोप वो टू स्वर पहले तो ये रट लो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्वेश्चन इस्तेमाल कैसे करते हैं लेकिन उससे पहले कि किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है तो जरा देखते हैं कितने प्रतिशत जनता ये जानती है कितनी प्रतिशत जनता ये जानती है कि हमारी बर्नॉलीज इक्वेशन

किस कंजर्वेशन पे आधारित है? बहुत अच्छे देखो सबको पता है और हम अंदर ही है एनर्जी कंजर्वेशन की फीलिंग ले लो यहां काइनेटिक एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पूरी फीलिंग तुम्हारे अंदर आनी चाहिए बस ध्यान क्या रखना है कि जब मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी लिखो तो आपको क्या लिखना है हाफ रोवी स्क्वायर

एक हाइट की वजह से बनने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और एक दौड़ने की वजह से बनने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये तीन एनर्जी की अगर आपने फीलिंग फीलिंग ले ली तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन से फीलिंग आ जाएगी पूरे चैप्टर की आगे पूरा टॉपिक आपका जबरदस्त तैयार हो जाएगा अगर आपने एनर्जी कंजर्वेशन की फीलिंग ले ली ठीक है अब अगर आपको बर्नौली वाला समझ में आया तो पहले आप कौन सा बर्नौली पढ़ते हैं बर्नौली एट सेम होडिजोनल लेवल सेम हॉडिजोंटल लेवल का मतलब होता है अगर हम थोड़ी देर के लिए जिन दो पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं उन दो पॉइंट्स की थोड़ी देर के लिए हाइट सेम कर दें तो सर कौन सा टर्म गायब हो जाएगा रोजी एच वाला टर्म गायब हो जाएगा तो कैसी दिखती है बर्नौली कैसी दिखती है सुंदर सी बर्नौली तो इमेजिन करो यहाँ प्रेशर पी है और यहाँ प्रेशर पी है यहाँ एरिया ए है और यहाँ एरिया ए है यहां वेलोसिटी वी है और यहाँ वेलोसिटी वी है तो इनके बीच में बर्नौली कैसे लगाते हैं ध्यान से सुनिएगा सुनी प्रेशर अलग से लिख देता हूँ पी टू यहाँ भी अलग से लिख देता हूँ सो तो यहाँ प्रेशर लिख देता हूँ पी वन और यहाँ वेलोसटी वीवन अब देखो इनके बीच में बर्नौली कैसे लगाते हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल मैच करा दे तो फिर हाइट का रट्टा तो खत्म हो गया हाँ सर तो सिंपल बर्नौली लगा दो सिंपल बर्नौली कैसी दिखेगी प्लस हाफ रो वी टू प्लस स्क्वायर वेरी सिंपल हाँ सर एकदम जबरदस्त अब आपकी बर्नौली से आपको क्या समझना है यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि जहां पर आपका वेलोसिटी ज्यादा होता है वहां पर आपका प्रेशर कम हो जाता है वेयर योर वेलोसिटी इज ग्रेटर ऑफ द फ्लूड प्रेशर विल बी लेसर क्योंकि ये दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए तो जहां पर स्पीड तेज वहां प्रेशर लो जहां स्पीड धीमी वहां प्रेशर हाई तो इसका ध्यान रखेंगे जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम तो बेटा ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए बहुत ट्रू है हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब भी तुम बर्नाली का इस्तेमाल करोगे इस तरीके की क्वेश्चन से ध्यान रखना वेलोसिटी कम करने से प्रेशर बढ़ता है और बढ़ाने घटाने से आ, कम करने से प्रेशर बढ़ता है और वेलोसिटी बढ़ाने से प्रेशर घटता है तो जहां फ्लूड तेजी से बहरा होगा वहां पर आपका प्रेशर लो होगा कम होगा कम होगा वेल्यू कम होगी ठीक है अब देखते हैं इसका इस्तेमाल क्या आप करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन ऑफ वेंचुरी मीटर ये वेंचुरी मीटर पे आधारित एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इन विच वर्टिकल ट्यूब द विल राइज मोर तो एक आपको आ, एक आपको ट्यूब हॉरिजोंटल दिख रहा होगा और आपको दो ट्यूब वर्टिकल दिख रहे होंगे दो ट्यूब वर्टिकल ये वाइडर साइड कनेक्टेड है अगर आप देखें तो ये वाइडर साइड कनेक्टेड है और ये नैरो साइड कनेक्टेड है दिस इज कनेक्टेड एट द नैरो साइड आपको सवाल कितना जबरदस्त पूछा गया ध्यान से देखिएगा कहां पर फ्लूड का लेवल ज्यादा बढ़ेगा कहां पर फ्लूड ज्यादा राइज करेगा क्लियर आप आराम से सोचिए मैंने आपको अभी भी बताया जहां वेलोसिटी साधा वहां प्रेशर कम और जहां प्रेशर कम वहां हाइट भी कम होनी चाहिए आई थिंक आई एम वेरी क्लियर आई एम वेरी क्लियर आई एम वेरी क्लियर वेरी क्लियर वेरी क्लियर वेरी क्लियर कहां पर आपको लगता है हम्म कहां पर आपको लगता है कि लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज कहां पर आपको लगता है ज्यादा राइज करेगा अब तो ध्यान से सुनेगा हमारा फ्लूड यहां से सबसे तेज बह रहा होगा हाँ सर तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी सबसे तेज अगर वेलोसिटी तेज है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा बहुत कम अगर यहाँ प्रेशर कम होगा तो यहाँ फ्लूड का रोजी एच कम आएगा रोजी एच, रो एच कम आएगा हाँ सर तो यहाँ हाइट भी कम आएगी हाँ सर हाँ सर लेकिन अगर हम जहां फ्लूड स्लो हो गया है यहां क्या है वेलोसिटी कम लेकिन यहां क्या है प्रेशर ज्यादा प्रेशर ज्यादा से फ्लूड यहां चढ़ जाएगा कहेगा भैया मुझे तो ज्यादा हाइट चाहिए तो ऐसे में आपका फ्लूड का हाइट ज्यादा आएगा

लिक्विड ऑफ अ गिवन डेंसिटी फ्लोइंग स्टेडिली इन दॉरिजोटल ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया एक ट्यूब है जैसा कि आपको ट्यूब नजर आ रहा है इसका एरिया देखिए कैसा सुकुड़ता जा रहा है तो एरिया सुकुड़ता जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया एस इस तरफ का एरिया बता रहा है ए का एरिया बता रहा है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन एरिया बी एस पच्चीस हरे सही से बोलो पच्चीस मिलीमीटर स्क्वायर। इफ द स्पीड ऑफ़ लिक्विड बी इज़ 60 सेंटीमीटर पर अगर इज आपको बताना है और में कितने प्रेशर का अंतर होगा तो बच्चों जब वो प्रेशर का अंतर पूछ रहा है तो इसका मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर है दे आर आस्किंग अबाउटीज और आपको बहुत अच्छी तरीके दिख रहा होगा ट्यूब हमारा हॉरिजॉन्टल है तो बर्नौली हमें हॉरिजॉन्टल वाली लगानी है चलो हॉरिजॉन्टल बर्नौली लगाते हैं क्या है पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर वी स्क्वायर देखो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों तरफ आपने क्या लगा दिया

अब बच्चों हाफ भी पता है रो भी पता है लेकिन ध्यान से देखो तुम्हें वी नहीं नहीं पता है, नहीं पता है है सॉरी तो वी ए निकालने के लिए क्या निकाल लो कंटिन्यूटी ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें कंटिन्यूटी और एक साथ लगाना पड़ेगा तो यहां की स्पीड निकालने के लिए तुम्हें कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा लगाओ कंटिन्यूटी बढ़िया जबरदस्त आंसर आएगा देखो वन सेंटीमीटर स्क्वायर अगेन सेंटीमीटर को मिलीमीटर mm में कन्वर्ट कर दूं सो तो एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर स्क्वायर के लिए सो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूं ये मिलीमीटर में हो गया सो so, a1 v1 निकालना है v1 मतलब a निकालना है v ये निकालना है इक्वल्स टू a2 v2 25 60 तो बेटा यहां से va निकलेगा va बहुत सुंदर बहुत सुंदर तो आप देख सकते हो अगर आप सॉल्व करो तो 25 कितनी बार इसको मारेगा चार बार चार बार इसको मारा तो ये कितना हो गया 6 और ये 6 ने इसको कितनी बार मार दिया 10 बार अरे ले बेटा 6 सेंटीमीटर प... सॉरी टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई की की अब तुम्हें रखना यूनिट सिस्टम का ध्यान रखना आंसर पास्कल में चाहिए तो यूनिट सिस्टम भी ऐसा ही यूनिट सिस्टम ही होना चाहिए तो रो कितना है छोटू रो है हजार हजर वीबी स्क्वायर कितना है सर साठ का स्क्वायर साठ का स्क्वायर बेटा साठ का स्क्वायर करना लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर में है अगर मीटर में जाएंगे तो नीचे सौ लगाना पड़ेगा स्क्वायर के लिए नीचे 10 की पावर चार तो चलो अभी तो मैं लिख देता हूं साठ का स्क्वायर माइनस दस का स्क्वायर लेकिन ध्यान रखिए नीचे एक लगा दिया मैंने टेन की पावर चार टेन की पावर चार लगाने का मतलब है मैंने इसके सेंटीमीटर स्क्वायर को उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया अब मुझे कोई डर नहीं है आंसर आएगा कोई नहीं रोक पाएगा जीरो 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 आ गया टेन ऊपर देखो वही कितना आ छत्तीस सौ पैतीसो बस ने दस को मारा तीन सौ पचास बटे दो तीन सौ पचास बटे दो कुछ नहीं होता एक सौ होता तो एक सौ पासकल इसका सही जवाब होगा भाई साहब भाई साहब समझ में आया समझ में आया एकदम क्लियर दिमाग शार्प हो गया है दिमाग एकदम अच्छा सा लगने लग रहा है हाँ सर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे लगा लो क्वेश्चन से तुम लोग खुद इक्वेशन अब बन सकती है अब तुम्हें इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार क्वेश्चन लगा लोगे ना तो तुम्हें इक्वेशन का ये हो जाता है कि हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर ली अब ठीक लग रहा है अब आपको इक्वेशन ऑफ बर्नौली हॉरिजॉन्टल लेवल पे लगाना भी आ गया और कंटिन्यूटी की एक और प्रैक्टिस हो गई तो कंटिन्यूटी तो क्लियर हो ही गया है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं कहानी को आगे बनाते हैं अब जो आपने अभी कंटिन्यूटी लगाई वो सेम हॉरिजॉन्टल पे लगाई हाँ सर और क्या सीखा आपने जहां पर देखो आप प्रेशर देखो कहां ज्यादा आया कहां ज्यादा आया जहां पाइप मोटा था मोटा पाइप मतलब वहां 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 वेलोसिटी 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 कम 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 थी कम मतलब वहां प्रेशर प्रेशर ज्यादा ज्यादा था तो देखो जहां इस बात का ध्यान रखा और हुआ भी यही चलिए अब इस बात को हम यूज कहा करते हैं जब हम बात करते हैं अपने हवाई जहाज की हाई राइट ब्रदर्स हमारा जो हवाई जहाज है जिसको हम एयरप्लेन या एरोप्लेन कहते हैं ये एरोप्लेन भी कोई रॉकेट की तरह इतनी उड़ता है लेकिन आपका एयरप्लेन तो यार कोई पीछे की तरफ गैस नहीं फेंकता है पीछे की तरफ वो कहा कोई ऐसे गोला बना बना के फेंक रहा है पीछे आग लगी हुई है पीछे नहीं वो तो यार ऐसे आराम से उड़ रहा है पंख चला रहा है कसके सीधा उड़ रहा है तो ऐसे उड़ने के लिए वो 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 डीएम बाई डीटी का नहीं लगा रहा तो इसका मतलब क्या है ऐसी कुछ कुछ जो तुम्हें समझनी पड़ेगी तुम रहे हो, तो में जो तुम्हारा उड़ता है, ना, उसके का ऐसा रखा जाता है कि उसको एक थ्रस्ट मिले और उसी थ्रस्ट की वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जो उसके वजन को उठा ले आपने देखा कैसे रनवे पे वो कसकस के दौड़ता है रनवे पे रनवे पे इतनी तेज क्यों दौड़ता है पागल है क्या अरे रनवे पे इसलिए तेज दौड़ता है क्योंकि इसको वो हवा से प्रेशर डिफरेंस चाहिए जब तक उसका वो प्रेशर डिफरेंस प्राप्त नहीं होगा तब तक उसका वजन नहीं उठेगा तो इसलिए आपको ये एयरप्लेन के केस को समझना पड़ेगा मैं आपको समझाता बहुत ही आसान है तो जब वो हवा आती है तो हवा इसके ऊपर से और हवा इसके नीचे से दो जगह से पास करती है अब जब दो जगह से पास करती है हवा तो हम लगा सकते हैं पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में बर्नौलिस अगर हम ए और बी में बर्नौलिस लगाए बच्चों और देख सकते हैं

हम नीचे प्रेशर ज्यादा चाहते हैं और नीचे प्रेशर ज्यादा चाहने का मतलब है हम नीचे वेलोसिटी कम चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे हवाई जहाज पे नीचे की वेलोसिटी रहे लो प्रेशर रहे हाई ऊपर की वेलोसिटी रहे हाई प्रेशर रहे लो इस वजह से एक अपथ्रस्ट क्रिएट हो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो और प्रेशर डिफरेंस से हम उठ जाए तो बस वही ये खेल है आपको कुछ नहीं करना है प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे लगाना है मैंने ए को कहा माना है ऊपर माना है मतलब बी का प्रेशर बढ़ा है पीबी माइनस पी ए इक्वल टू हाफ रो कॉमन खेच लो वी ए स्क्वायर माइनस वीबी स्क्वायर ठीक है जी और इनटू एरिया कर दोगे तो ये बन जाएगी तुम्हारी फोर्स एरिया किसका एरिया पंख पंख का punk का तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया विल बी इक्वल टू द अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट ये अपथ्रस्ट के बराबर होगा तो आज के बाद तुम्हें कभी भी हवाई जहाज उड़ाने वाला कोई क्वेश्चन मिले तुम ये क्वेश्चन का ध्यान रखना

क्योंकि अब मैं तुम्हें इस पे आधारित एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं तो जरा ध्यान से सबको मुंडी इधर रखनी है क्योंकि आ गया है एयरप्लेन का क्वेश्चन क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं एयरप्लेन का अच्छा आप देख रहे हो ये कौन से साल में आया ये कौन से साल में आया सर दिख नहीं रहा अरे देखो दो हजार चौबीस का सवाल है तो जरा करते हैं इसको बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सवाल है अवन से निकला है बिल्कुल अभी भी हम्म hmm. चलो भाई चलो भाई आगे बढ़ते हैं अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज एन एरिया 40 मीटर स्क्वायर ईच ऑफ इट्स टू विंग्स ईच एक-एक तो याद रखना गलती मत करना ठीक है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं कुछ अ प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज एन एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर इफ द स्पीड of the air is 180 km per hour over the lower wing surface and 252 km per hour over the upper wing the mass of the plane is hawai jahaz udane ka sawal aa gaya आपको बता रहा है ऊपर से हवा कितनी तेज गुजर रही है देखो ऊपर से बोला था तेज गुजरती है तो देखो ऊपर से 252 किलोमीटर पर आर नीचे से बोला था धीमे गुजरती है देखो नीचे से देखो 180 किलोमीटर पर आर तो दोनों में क्या है दोनों में डिफरेंस है किसका स्पीड्स का स्पीड के डिफरेंस से क्या बनेगा सर प्रेशर का डिफरेंस बनेगा और प्रेशर के डिफरेंस खेल दोनों के बीच की स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस स्पीड के स्क्वायर बेटा दो मत लगा देना 180 मत लगा देना क्योंकि किलोमीटर पर आर है मीटर पर सेकंड में जाना ना बोले बुंदू 252

तो दो पंखे के लिए टू इंटू फोर्टी हो गया एरिया यही होगा प्रेशर डिफरेंस को तो कोई दिक्कत नहीं है डेंसिटी ऑफ एयर दिया गया है आप देख सकते हैं एयर की डेंसिटी कितनी दी गई है वन ग्राम पर मीटर क्यों हजार मत पुट कर देना हवाई जट पानी में उड़ा दिया हवाईजह पानी में नहीं उड़ाना है आपको यहां वन लगाना है ठीक है हाफ यहां वन

अरे करो आंसर क्या आ रहा है नाइनटी सिक्स हंड्रेड जी हा जी हा आंसर क्या आ रहा है नाइनटी सिक्स हंड्रेड क्लियर एकदम परफेक्ट है एकदम परफेक्ट एक, एक मिनट रुकना जरा फालतू के लोगों को हटाऊं मैं एक मिनट हाँ जरा एक मडियारा मैं निपटाता हूं हाँ क्लियर एकदम ये देख लेना एक बार चेक कर लो आंसर चेक करो आप लोग जब तक आंसर चेक कर लो फटाफट डन ठीक है हाँ भाई ओके ओके ठीक है एक में रुकना है जरा दो चार लोगों को हटा दू जरा ये पूरा यही पूरा धर्म दिखाएंगे अभी हाँ एक में रुकना आप लोग चलो आ जाओ भाइयों ठीक है भाई चलो डन एकदम परफेक्ट क्लैरिटी है यहां तक ओके okay सर अब हमारा यहां पर बर्नौली एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कवर हो रहा है आप देख रहे हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का एयरप्लेन का केस कराया और इससे पहले भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का ट्यूब वाला केस करा दिया सर हाँ थोड़ी फीलिंग तो आ गई चलो मेरे एक सवाल पूछता हूँ तुमसे मेरे पास एक बहुत सुंदर सा सवाल है देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं हाँ पहले एक सवाल पूछूंगा आपने देखो जल्दी से हाँ चले 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 सवाल 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 इधर बताओ आंधी तूफान के समय हम विंडोज अरे ये मोबाइल ये वाला विंडोज नहीं कह रहा हूं लैपटॉप कंप्यूटर वाला आंधी तूफान के समय हमारी खिड़कियां ऑप्शन खोलेंगे बंद करेंगे क्या फर्क पड़ता है बताओ आंधी तूफान के समय हम अपनी खिड़कियां खोलेंगे बंद करेंगे क्या फर्क पड़ता है खोलेंगे बंद करेंगे क्या फर्क पड़ता है तो बच्चों बच्चों ए ए जवाब देना जवाब देना ठीक है ठीक है बंद करेंगे खोलेंगे खिड़कियां खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे ठीक है तो ये कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ देखो हम थोड़ा फिजिक्स की बातें कर रहे हैं हम घर की घर की गंदगी की बातें नहीं कर करेंगे सर वो धुआं आएगा धूल आएगी धुआं नहीं धूल आएगी तो धूल की गंदा हो जाएगा वो नहीं कर रहा हूं मैं मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ फिजिक्स में अगर आप दिमाग लगाए तो जब आपका आंधी तूफान आता है तो ऊपर से एयर की स्पीड बहुत बढ़ जाती है अब एयर की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो वेलोसिटी बहुत हाई और प्रेशर बहुत लो हो जाता है और प्रेशर अगर लो हो गया बच्चों तो तुमने अगर घर की खिड़कियां बंद करके रखी है तो अंदर हवा पैक हो चुकी है अंदर तुम्हारा प्रेशर हाई है क्योंकि वहां वेलोसिटी नहीं है तो ऐसे में अंदर प्रेशर हाई वेलोसिटी लो और हवा के साथ तुम्हारा झोपड़ा तुम्हारा घर का ऊपर का पार्ट

इन क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम ए टू ए बाई टू तो यहां से एरिया था ए और यहां हो गया वो एरिया ए बाय बायू देखो एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द द वाइड एंड नैरो पार्ट इज दीरो पासकल लो बेटा और इंफॉर्मेशन पकड़ो इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस है वो फोर्टी वन हंड्रेड पासकल का है ओके ओके एट वाइडर सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रूट एक्स प्लस सिक्स मीटर पर सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको एक्स की वैल्यू बतानी है यहां आपके पास चार ऑप्शन है आइए आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि ना ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है और ना यह केवल कंटिन्यूटी है ये बर्नॉलीज है प्रॉपर बर्नॉलीज है जिसमें आपको अच्छी तरीके से पूरी चीजों को ढंग से लिखना है गलती मत करिएगा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा तो एक आइडियल फ्लूड है डेंसिटी गिवन है जल्दी से रो लिख लो 800 सौ के जी पर मीटर क्यूब फ्लोस स्मूथली फ्लो टेपर से क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लो ए और ए बाई टू तो यहाँ का एरिया ए है बच्चों ए और यहाँ का एरिया कितना है ए बाई टू ओके आगे देखो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड द नैरो वाइड वाइड ये wide है एंड नैरो नैरो है तो यहाँ लिख देते नैरो नेहरो लिख देते वाइड वाइड और नैरो के बीच का डिफरेंस पी वाइड माइनस पी नैरो वन हंड्रेड पाशकल ये हमारे प्रेशर का डिफरेंस है

यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सर रोजी एच हा हा, हा रोजी एच एच कितना है वन ठीक है भाई प्लस यहां पे काइनेटिक एनर्जी सर हाफ रो वी स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर बिल्कुल सही तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गई एट वाइड पॉइंट जो वाइड वाला पॉइंट दिख रहा है चौड़ा वाला पॉइंट दिख रहा है उसकी ये बर्नौली है ठीक है अब दूसरी जगह कूदते हैं छोटू और जरा बर्नौली को दोबारा लिख के देखते हैं आ जाओ ई तरफ आ जाओ ई तरफ भाई इधर बर्नौली हेलो बर्नौली बताओ चलो इधर लिखेंगे पीनेरो प्लस क्या नजर आ रहा है रो नहीं सर हमने से ना पाए ना। तो इसकी जीरो पर अगर आप देखें तो एरिया हो गया है आधा मैं कंटिन्यूटी को हवा में भी लगा सकता हूं देखो मैजिक अरे यार कोई मैजिक नहीं है तुम भी पढ़े लिखे हो एरिया आधा तो वेलोसिटी डबल तो मैं क्यों बार बार कंटिन्यूटी को अलग से लिखूं मैं सीधा लग देता हूं उसके पे कि भैया वेलोसिटी की डबल होगी उधर अगर एरिया आधा है तो वेलोसिटी डबल होगी यस तो ये वेलोसिटी पर देखो ये हो गई तुम्हारी कौन सी ये आ गया पोटे बर्नोली बर्नौली हाँ सर। अब देखो wide और में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? है तुम्हें v निकालना है, ठीक है क्या चीज तुम्हें लगता है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी सबसे पहले फोर्टी वन हंड्रेड प्लस रोजी एस तो इधर ही है रो तो कोई दिक्कत नहीं देगा रो की वैल्यू रखी है क्या डेंसिटी क्या है अपने पास पानी पानी अरे दिए नहीं पानी नहीं दिया आठ सो डेंसिटी लखो आठ सो जी की वैल्यू रखो दस एच की वैल्यू रखो एक ठीक है ये हो गया एट हंड्रेड जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर यहां नहीं वहां को दा दो वहां पी नो पी डिफरेंस तो तो बन गया हाफ रो वी स्क्वायर को उधर को दाओ उधर को दाओगे तो पहले से क्या है वहां पे थ्री वी स्क्वायर और थ्री वी स्क्वायर में से एक और वी स्क्वायर माइनस हुआ तो थ्री बाई टू राइट तो कितना बनेगा हाफ रो

बारह हजार एक सौ और यहां रो कितना रख दें आठ सौ यहां पर थ्री वी कैलकुलेशन करना है लेकिन आंसर जबरदस्त आएगा देखना आंसर निकालते हैं है। कितना बोला बारह हजार एक सौ है ना जी बारह हजार एक सो फोर्टी वन हंड्रेड प्लस एट थाउजेंड ये हो गया ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड वन बाई टू ये आ गया वन बाई टू इंटू थ्री वी स्क्वायर और यहां भी तो एक आठ है हा जीरो जीरो ने जीरो जीरो को मारा हम्म सर बिल्कुल सही अब देखो जरा इसको पूरे को नीचे भेजते कितना बनता है एक सौ इक्कीस इंटू दो आ गया तुम्हारा वी स्क्वायर सर सही है यहां तक अब वी का वैल्यू कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी वन इंटूच नीचे देखो नीचे देखो इसको देखो इसको ये कितना हो जाएगा रूट ये ये सॉरी हो गया 12, और ये सारी चीज कितना सर ये रूट में आ गई सर ये रूट में आ गई हाँ बिल्कुल सही अब मुझे नीचे क्या बनाना था च्छे। च्छे बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तीनों तीन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये कितना बन गया थ्री सिक्सटी थ्री और यह कितना छत्तीस कितना हो गया छे आप देखो आंसर मैंने बना दिया है तो अगर आप एक्स की वैल्यू देखने आए हो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट 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 थ्री सिक्सटी थ्री तो 363 इज एन ऑप्शन यस, इट इज ऑप्शन सी। खुद करने चाहिए, लेकिन मैंने आपको फिर भी करके दिखाए कि कैसे हम थोड़ा सा अपना पूरा फोकस इक्वेशन पे लगा दो इक्वेशन कैसे बना रहे हैं सर तो आपने क्या लगाया बर्नौली एट द वाइडर पार्ट एंड बर्नौली एट द नैरो पार्ट और वाइडर और नैरो के बीच में रिश्ता आपने हवा में ही कंटिन्यूटी से बना लिया क्लियर तो देखो मेरे को ऐसा मन था मैं बच्चों को ऐसा ना कि बर्नौली के पे ही सीखे। एक मन क्वेश्चन में, भी आया है। तो ये में आपने बर्नौली को पूरा बढ़िया तरीके से फील करके लगा लिया हॉरिजॉन्टल पे तो लगाना ही गया अब आपको हाइट पे भी बर्नौली लगाना अच्छी तरीके से आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉटर टैप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बर्नौली लगती है लेकिन लोग ना फील नहीं कर पाते अब मैं आपको क्वेश्चन फीलिंग से कराऊंगा देखना मेरा तरीका पढ़ना ठीक है तो क्वेश्चन किस तरीके के रहते हैं वाटर टैप क्वेश्चन क्या रहते हैं कि वो नल खोलेंगे नल नल, नल पानी बह पानी बहेगा तो कहेंगे सुनो 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 अभी पानी जब बह रहा है तो पानी जब नीचे गिर रहा है तो अपनी धार को पतली कर लेता है तो पूछेंगे हाइट नीचे जाके पानी की धार कितनी पतली हो जाएगी तो ऐसे में दे विल गिव यू सम एरिया जो शुरू में होगा सम एरिया जो बाद में आपसे पूछा जाएगा शुरू की कुछ वेलोसिटी दी जाएगी जो आपको गिवन होगी और हाइट दी जाएगी जो आपको गिवन होगी तो आपको फाइनल एरिया या फाइनल स्पीड ज्यादातर एरिया ही पूछता है कि वो सुकुड़ के पानी कितने एरिया का बन गया अब सर सुकुड़ क्यों रहा है उसका रीजन बहुत सिंपल है आप जब नीचे जाओगे तो आपकी वेलोसिटी क्या करेगी बढ़ेगी बेटा कोई चीज़ गिरती है तो उसकी बढ़ती है। अगर तो एरिया घटता है? तो तो मतलब है लेकिन केवल केवल कंटिन्यूटी से हमारा आंसर आ नहीं सकता क्योंकि एरिया भी नहीं पता होता है, नीचे की स्पीड भी नहीं पता होती है तो मैं क्या करता हूँ पहले आपको नीचे की स्पीड निकलवा देता हूं एक बार नीचे की स्पीड गई छोटू तो फिर तो एरिया निकाल लेंगे कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके अब स्पीड में बहुत डायरेक्ट तरीके से निकालता हूं आप टाइम पास करोगे, प्रेशर प्लस नहीं इतनी मेहनत मत करो फीलिंग लेके करोगे मजा ही आएगा ठीक है आप बताओ जब कोई टैप आप खोलते हो तो आप जब टैप खोलोगे तो शुरू की स्पीड होगी कुछ हाँ सर अब आप कोई चीज अगर एच हाइट गिराते हो तो क्या लगेगा उसमें ग्रेविटी लग रहा है और ग्रेविटी उसको क्या कर रही है एक्सलेट कर रही है इसका मतलब नीचे कितनी स्पीड से पहुंचा होगा सर, यहां से यहां तक तुम बर्नौली से करके देखना तुम्हारा भी आंसर मैच करेगा तो देखो यहां से यहां तक में, मैं लगा रहा हूँ वी स्क्वाइनस टू टू एस मुझे तो फाइनल स्पीड चाहिए ना मेरा आंसर बनेगा परेशान मत होना

अलग अलग है तो अगर तुम एनर्जी से निकालते बर्नौली से निकालते किसी से भी निकालते आंसर यही आता। अब अगर तुम वेलोसिटी निकाल चुके हो नीचे पॉइंट पे कितनी तो बस अब कंटिन्यूटी लगा देनी है सो कंटिन्यूटी कहती है कि जगह रूट तैयार है आपका फाइनल आंसर तो अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा au अपॉन अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायेर प्लस टू जी एच कोई लोग कहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ कहते हैं नहीं हम तो बना लेंगे तो बनाने पे विश्वास रखते हैं तो बना लीजिएगा रटने पे विश्वास रखते हैं तो रट लीजिएगा क्योंकि टैप केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की भयंकर संभावना होती है ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूं बेस्ड ऑन टैप केस आ जाओ टैप केस का क्वेश्चन देखते हैं आ जाओ भैया टैप केस का क्वेश्चन देखते हैं हाँ भाई सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन टैप केस मैंने बोला टैप केस पे क्वेश्चन आता है अच्छे से देखो मजा आ जाएगा आपको वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड पानी खोला नल से गिरा एक मीटर पर सेकेंड की उसकी इनिशियल स्पीड थी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप इज टेन टू दी पावर माइनस मीटर स्क्वायर जो नल तुमने खोला उसका ऊपर का एरिया टेन टू दी पावर माइनस मीटर स्क्वायर था

ये वाला एरिया आपको पता है चलिए पुट करके दिखाता हूं ये एरिया आपको पता है टेन टू दी पावर माइनस फोर ऊपर का एरिया सो टेन टू दि पावर माइनस फोर इन टू आपको इनिशियल स्पीड भी पता है अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना है सर पहले कितनी स्पीड से कूदे वन से ना तो वन का स्क्वायर हा, हा प्लस टू जी एच कितना कूदे ग्रेविटी दस और एच कितना पॉइंट वन फाइव

पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मीटर क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं ढूंढ के देखो पॉइंट फाइव देखो फाइव के दो ऑप्शन है गलती मत करना ये मार्क मत कर देना क्योंकि पावर माइनस पांच है अगर आप कन्वर्ट करें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेन टू दावर माइनस पांच मीटर स्क्वायर में वेरी सिंपल वेरी इजी आपको टैप केस समझ में आया थम्सअप कर दीजिए आपको टैप केस समझ में आया थम्सअप कर दीजिए ये yes? एवरीबडी जिसको थम्सअप जल्दी जल्दी थम, जिसको टैप के समझ में आए फटाफट जिससे मैं आपको अगली चीज बताऊं हम्म hmm, अगली चीज बताऊं अगला ये सब बर्नौली चल रहा है तो एयरप्लेन उड़ाना सीख लिया हाँ, सर वेंचुरी मीटर में हाइट देख लिया हा सर हे जी टैप के सीख लिया हा सर बर्नौली ऊपर नीचे लगाना सीख ली यस सर चलो तो एक बार अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं ये कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है बड़ा सिंपल सा है आप एक आ, आ, टंकी में पानी भर दें और नीचे टंकी के छेद कर दें या उसमें एक नल लगा के उसको खोल दें राइट तो क्या होगा उससे पानी स्पीड से बाहर निकलता है ये जिस स्पीड से पानी बाहर लीक करता है ये स्पीड ही कहलाती है स्पीड ऑफ इफ्लक्स इस बात का आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है आज के बाद स्पीड ऑफ इफ्लक्स और बच्चों ये efflux, किन पे डिपेंड करती है सबसे इंपॉर्टेंट है मैं पूरा डेरिवेशन अभी नहीं करूंगा डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन ये स्पीड पे डिपेंड करती है मैं आपको वो जरूर बताऊंगा तो ध्यान से देखिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं तो जब भी आप अगर ऊपर का एरिया रखें ए बड़ा ए और नीचे का एरिया रखें छोटा ए तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इफ्लक्स बनता है वो डायरेक्ट बनता है अंडर रूट अंडरूट अंडरूट टू जी एच वन माइनस छोटूला है इसको हम इफ्लक्स का भी कहते हैं ये आप याद रखो क्योंकि वहां जाके आप इफ्लक्स बनाना नहीं चाहोगे आपको याद रखना है इफ्लक्स तो सीधा सीधा अंडर रूट टू जी एच वन माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अब बच्चों जो मेरा रीसेंट पैटर्न की स्टडी रही है उससे मुझे ये समझ में आया है कि अभी ना फॉर्मूला भी इतना यूजफुल नहीं रह गया क्योंकि ज्यादातर वो होल का साइज बहुत छोटा देते हैं ज्यादातर वो, बहुत छोटा देते हैं। वो बहुत छोटा देते हैं के सामने इग्नोर हो जाते हैं तो ये टर्म आप यहां से गायब कर सकते हो क्योंकि छोटा है बहुत छोटा है सो फॉर वेरी स्मॉल ओरिफेस अगर ओपनिंग साइज बहुत छोटा है तो ये टर्म आप इग्नोर कर देंगे तो आपका आंसर सीधा हो जाता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर कोई भी नहीं अभी आपको इफ्लक्स का ये आंसर डायरेक्ट ध्यान रखना है अंडरू टू जी एच अब आप पूछोगे एच हाइट क्या है इसके अंदर तो बेटा एच हाइट होती है, है हमेशा हमेशा और हमेशा ओरिफिस की सरफेस से हाइट टंकी वंकी में क्या है टंकी तो ऊंची ऊंची उससे क्या करना ओरिफिस की टंकी में जो पानी का लेवल है वहां से हाइट तो ओरिफिस की टंकी के लेवल तक की हाइट इसी को टंकी के लेवल मतलब पानी के लेवल तक की हाइट इसी हाइट को यहां पे हमेशा यूज करना है चाहे छेद ऊपर हो चाहे छेद नीचे हो हमेशा सरफेस से हाइट देखनी है कितना नीचे ओरिफिस है है और आंसर लगा देना है, अंडर टू जी एच अब अच्छा अंडर टू जी एच तो तुम्हें वैसे ही पता है कि ऐसे छोड़ते तो भी अंडर टू जी एच ही आता था तो ये तुम्हारा अंडर टू जी एच रखने के लिए बहुत आसान है तुमको सीधा इफ्लक्स का आंसर याद रखना है अब इफ्लक्स सबसे ज्यादा कहां से आता है सबसे ज्यादा इफ्लक्स आता है जब तुम नीचे छेद करोगे क्योंकि तब जाके सबसे ज्यादा हाइट आएगी तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको नीचे छेद करके देंगे लेकिन अगर आप फ्लूड को फैलने का मौका दे अगर आप फ्लूड को फैलने का मौका दे तो एक मैं खास बात बता देता हूं अगर आप फ्लूड को फैलने का मौका दे तो नीचे स्पीड ज्यादा है लेकिन गिरने के लिए हाइट कम है और ऊपर स्पीड कम है लेकिन गिरने के लिए हाइट ज्यादा है तो ऐसे में आप देखोगे कि बीच का फ्लूड सबसे दूर गिरता है जो बीच का फ्लूड है सबसे बड़ी रेंज बनाता है सबसे बड़ी रेंज ये हमें ध्यान रखना है रेंज मैक्सिमम के लिए छेद हमेशा बीच में होना चाहिए अगर टंकी में पानी यहां तक का भरा हुआ है तो वाटर लेवल जहां तक का है उस हाइट के आधे पे छेद कर दो सबसे दूर पानी गिरता है और सर बाकी केस में बाकी केस में जितना ऊपर उतना नीचे बराबर बराबर पानी गिरता है जितना ऊपर उतना नीचे बराबर बराबर पानी गिरता है ये डायग्राम आप लोग अपने मन में एक पिक्चर बना के ध्यान रखना क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं बताओ मैक्सिमम रेंज के लिए कहां छेद करें में तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम रेंज के लिए हम उसके बीच में कहीं छेद करते हैं ठीक है भाई इतना काफी है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन रेंज पे आए नहीं है तो आपके लिए इतना काफी है जस्ट टू हैव एन इंफॉर्मेशन बाकी इंपॉर्टेंट है रूट टू जी एच अब सर रूट टू जी एच पे क्वेश्चन आते हैं क्या बेटा जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं तो जरा ध्यान से देखना रूट टू जी का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता जो जाए। फिर मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल दिखाऊंगा ठीक है अ सिलेंडर ऑफ हाइट ट्वेंटी मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वॉटर हाइट कितनी दे दी बीस मीटर पानी से कंप्लीटली स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर इट्स बॉटम देखा मैंने कहा था बॉटम पे छेद करके पूछ रहा है बताओ कितना इफ्लक्स आएगा सिंपल फॉर्मूला लगाओ बड़े बड़े शब्दों में रूट टू जी एच और आंसर पाओ और आंसर पाओ कोई तुम्हें रोकेगा नहीं कोई तुम्हें टोकेगा नहीं अंडर रूट टू जी एच टू जी की जगह दस रखो एच की जगह बीस रखो अंडर रूट बीस बीस चार सौ चार सौ की जगह बीस ही आ जाएगा सीधा आंसर लिखो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड वेरी सिंपल Yes, बहुत ही आसान मैंने जानबूझ के एक सवाल कराया जस्ट टू ब्रिंग यू दैट कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जान के इतना हलुआ सवाल कराया लेकिन मैं हलुआ सवाल कराने आया नहीं हूं मैं चाहता हूं आपके दिमाग एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाए अपने एग्जाम के लिए उसके लिए आपको थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप के करने पड़ेंगे जैसे कि ये ये एक क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं राइट तो ये फ्लक्स का अच्छा क्वेश्चन है वो वो तो ऐसी था उससे तो खुश मत होना ज्यादा वो तो ठीक था मतलब रूट टू जी एच लगाना था डायरेक्ट अब आओ तुम अब मजा आएगा तुमको देखते हैं अब क्या हो रहा है ठीक है आओ अब आओ, आओ. पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आराम से देखो ये क्लास का मिड नाइट टॉपिक है मतलब मिड नाइट टॉपिक लेट नाइट ये लेट नाइट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक यू नो हम बर्नॉलीस की बात आखिरी में करते हैं तो इसलिए ये हमारे डायनेमिक्स का आखिरी टॉपिक चल रहा है इसके बस दो क्वेश्चन लगवाऊंगा और अच्छे अच्छे तो पहले ये पढ़ लो फिर मैं तुम्हें अच्छी बात बताऊंगा एक ठीक है ये करो ये क्वेश्चन अच्छा है हम्म <clears> ठीक <throat> है करेंगे करें 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 अपन करें मिलके करें चलो मिलके करते हैं मिलके करेंगे ना और मजा आएगा आपको ठीक है और कमेंट पे बातें भी कर सकते हो तो आर यू, आर यू, आर यू, रेडी मिलके करने के लिए रेडी है सब लोग हम्म मिलके करने के लिए रेडी है करें सब लोग मिलके करें हेलो यस इज रेडी फॉर कंबाइंड इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट चलो चलो

One centimeter square. Opening size में बहुत अंतर है रूट टू जी है जिंदाबाद नई कहानी ऑन द वॉटर एट द टॉप वेन द हाइट ऑफ द वॉटर लेवल इज फोर्टी तो आपका जब हाइट यहां से चालीस है तब आपने इसके ऊपर चौबीस किलो का कुछ बाट रख दिया चौबीस किलो का कुछ भारी सा वजन रख दिया अब पूछ रहा है आपसे द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग इज वी मीटर पर सेकेंड आपको वो वी निकालना है मतलब फ्लक्स निकालना है है चलिए चलो चलो ठीक अब अब ध्यान से करे, से करें करें आराम गलती मत करना क्योंकि तुम्हें सच में बर्नौली दोबारा लगानी पड़ेगी लेकिन सर आपने तो बर्नौली सिखाई नहीं कोई बात नहीं मैंने तुम्हें एनर्जी तो सिखाई हुई है हाँ सर एनर्जी आपने सिखाई है आप ईमानदार हो आपने एनर्जी हमें बताई हुई है अब ध्यान से सुनना यहां पर ना और यहां पर इन दो पॉइंट्स पे एनर्जी की बातें करो मुझसे तो तुम्हें एनर्जी से बहुत फीलिंग आएगी कि सर एक तरीके से बर्नौली लगा रहे हैं लेकिन शॉर्ट ट्रिक से तो तुम्हें बर्नौली की फीलिंग आएगी एनर्जी की फीलिंग आएगी सारी फीलिंग आएगी ठीक है चलो यहां पर एरिया क्या है बहुत बड़ा है एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा ये ये स्पीड बहुत कम होगी कौन सी वाली स्पीड ये वाली स्पीड क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी जानते हैं जहां एरिया बड़ा वहां स्पीड बहुत कम जहां एरिया छोटा वहां स्पीड ज्यादा तो यहां पर थोड़ी देर के लिए काइनेटिक एनर्जी को भूल जाओ भूल गए हाँ सर भूल गए अच्छा लग रहा है भूल जाओ सर

ये प्रेशर एक्स्ट्रा है हाँ सर हाँ हाँ सर हाँ सर, एनर्जी की फीलिंग आ रही है सर ना तो रोजी एच रो कितना तो बेटा ये दूसरी एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी और सर यहाँ पे काइनेटिक भी तो होगी यही तो नहीं है यहाँ काइनेटिक लोगे तो तुम्हें पता है ना एरिया बड़ा है एरिया बड़ा है तो स्पीड बहुत छोटी होगी तो भूल जाओ यहाँ की काइनेटिक थोड़ी देर के लिए

हाफ हजार इंटू वी स्क्वायर एकदम परफेक्ट यस सर एकदम परफेक्ट ये देखो ये जीरो ऊपर है ये कितना हो गया 600 सो ठीक है ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो निपटाया ये कितना हो गया 600 प्लस चार हजार हाँ सर अभी और सही लग रहा है इक्वल्स टू हजार बटे दो इंटू वी स्क्वायर अब ये कितना हो गया चार हजार छ सो इंटू दो बटे हजार इक्वल्स टू वी स्क्वायर

हम पे एक ऑप्शन है जिसमें हमारा इंटीजर में आंसर थ्री है क्लियर एकदम परफेक्ट परफेक्ट है है एकदम एकदम आप फिर से फील करो फिर से फील करो सवाल को मैंने कैसे किया आप चाहो तो आप अपनी तरफ से बर्नौली लगा सकते हो यहां पे बर्नौली यहां पे बर्नौली लेकिन बहुत टाइम पास हो जाएगा आपके जीवन का इसलिए एनर्जी फील करो यहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा है यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है यहां वेलोसिटी नहीं है यहां वेलोसिटी वेलोसिटी है विलौस्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है

फ्लुइड का इस्तेमाल भी करते हो जैसे मान लीजिए एक एक चीटी चल रही है आपके हाथ पे तो आप उसको ऐसे ऐसे करके नहीं मारोगे चीटी है ना यार छोटी सी मर जाएगी बेचारी तो आप क्या करते हो ऐसे फूक मारते हो फूक मार के चीटी उड़ जाती है ना है ना या आपको कुछ आपके हाथ में वो आगे पलके वल ऐसे करके उड़ा दिया आपने है ना या कोई कागज वागज का ऐसे करके उड़ा दिया तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो आप अः फ्लूड से फोर्स लगा रहे हो फ्लूड मतलब एयर भी फ्लूड है ऐसी आप पानी किसी पे मार दो आपने देखा वो वाटर गन ऐसे वाटर गन लगा देते हैं है ना ऐसे कभी कभी प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ चल रहा है वाटर गन लगा दी उन्होंने वाटर गन से आदमी को हिट कर रहे हैं आदमी बेचारा वाटर गन से लग रही है उसको तो ऐसे में क्या कर रहे हैं ताकत तो फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कैसे 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 वाटर की मदद से फ्लूड की मदद से इस प्रकार की फोर्स को बोलते हैं फोर्स बाय वॉटर या फोर्स बाय फ्लूड कुछ भी लिख सकते हैं अब ये फोर्स लगती क्यों है बच्चों हम लोग न्यूटन में थर्ड लॉ पढ़ा सेकेंड लॉ पढ़ा था F अगर तो वो लगातार, लगातार तो इनटू जितने रेट से मास बाहर निकल रहा है जितने रेट से मास बाहर निकल रहा है तो जितने रेट से तुम्हारा मास बाहर निकल रहा है इनटू जितनी स्पीड ये तुम्हारा सीधा फोर्स का फॉर्मुला होता है ये कहां से आया है ये हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ से, से डायरेक्ट आया है अब को मैं कैसे लिख सकता हूं ध्यान से देखिएगा मुझे पता है जितनी वॉल्यूम बाहर आ रही है वो है एरिया वेलोसिटी तो अगर इस पाइप का एरिया ए है तो जितनी वॉल्यूम बाहर निकल रही है एक सेकंड में एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम बाहर निकलती है सर एवी का प्रोडक्ट एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम बाहर निकलती है सर एवी का प्रोडक्ट तो एवी का प्रोडक्ट क्या होता है वॉल्यूम फ्लोरेट अगर वॉल्यूम फ्लोरेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मास फ्लोरेट तो बेसिकली कितना मास बाहर निकल रहा है सर मास आज से ध्यान रखेंगे रो ए वी इतना मास निकल रहा है अगर इतना मास बाहर निकल रहा है इतनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है तो फोर्स तुम्हें कोई नहीं रोक सकता निकालने से फोर्स का फॉर्मुला बन जाएगा वी डी एम बाई डी टी डीएम बाईड हो गया रो वी तो वी रो ए वी तो टोटल मिला के फोर्स बन गया रो ए वी स्क्वायर ये तुम्हारा फोर्स का फॉर्मुला है मैं कहता हूं रखो और ये अलग से याद करो डीएम खुद निकालना टिके है। है, हुए हैं ना उनको समझ में आ रहा है हाँ अब चल रही है कुछ ऐसी बातें जो दिक्कत दे सकती है हमको पेपर के दौरान तो पहले फोर्स बनाना सीखो वी डीएम बाई डी टी से और फिर डीएम बाई डी टी को अलग से बनाना सीखो अलग से कैसे ध्यान रखो कि एवी का प्रोडक्ट तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है इन डेंसिटी कर दूंगा बन जाएगा मेरा का rate, तो ये तुम्हारे का बनाने का तरीका है, है, okay. है। इसलिए मैं कहता हूं कभी रटना नहीं है आराम से फील करना है दो तीन क्वेश्चन लगाने फील करना है फॉर्मुले को ठीक है ब्लॉक ऑफ मेटल वेस्ट टू के जी इज रेस्टिंग फ्रिक्शनलेस प्लेन एक ब्लॉक है मेटल का जो दो किलो का है

फोर्स तो तुम खुद ही बना लोगे यार तो फोर्स का फॉर्मूला खुद ही बना लो यार वी डी बाई डी अब मेरे भी मेरी भी मदद की जरूरत नहीं है वी डी बाई डी से तुम फोर्स का फॉर्मूला खुद ही बना लोगे यार खुद ही बना लोगे चलो चलो वी वी बोलो वी बोलो हेलो वी बोलो टेन डी एम बाई बोलो वन के पर सेकेंड तो क्या फोर्स निकल के आ गया दस न्यूटन फोर्स निकल गया 10 न्यूटन एक बार फोर्स निकल आया <laughs> तो फिर तो फोर्स को लगा दूंगा मैं मास इनटू एक्सेलरेशन और मास कितना है दो किलो तो मास हो गया दो एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स हो गया 10 दो पंजे एक वस्तु पांच मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ढूंढो आंसर बोलो आंसर विल बी थ्री क्लियर समझ में आया तुमको नहीं आया हाँ सर तो देखो आज मैंने, तो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कवर कर दिया मैंने तुम्हारा प्रेशर कवर करा दिया प्रेशर का वेरिएशन कवर करा दिया डेंसिटी के चेंजेस कवर करवा दिए तुम्हारे उसके साथ एक्सीटेड फ्लूड्स के बारे में बता दिया रोटेटिंग फ्लूड्स के बारे में बता दिया उसके बाद मैंने तुम्हें आर्कीमिडीज और पास्कल इन दोनों के बारे में बातें बता दी इसके बाद मैंने तुम्हें कंटिन्यूटी समझा दिया उसके बाद बर्नौलीज में बर्नौली के सिंपल केसेस बर्नौली के एरोप्लेन वाले केसेस बर्नौली के टैप केसेस और बर्नौली के नॉर्मल केसेस जिसमें आपको बर्नौली सच में लगानी पड़ती है बहुत है करके रखना. और लास्टली मैंने आपको पानी की गन बना के दिखा दी पानी से ताकत लगवा के दिखा दी ये हमारा fluids का first part कहलाता है. अब बसता है फ्लूइड का सेकंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब 50% परसेंट जितना भी मैंने पढ़ाई आज इतने सारे टॉपिक्स मिलके 50% परसेंट बनाते हैं लेकिन जो मेरी कल की क्लास होगी ना 9 से 11 उस क्लास में भाई साहब मैं उठाने वाला हूं सरफेस टेंशन मैं उठाने वाला हूं विस्कोसिटी और आप जितने लोग भी जेई नीट की तैयारी कर रहे हो आप लोग का ये हमेशा नाइट मेयर है सरफेस टेंशन कैसा आता है क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं बच्चों बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल फिक्स फिक्स पैटर्न पैटर्न है है कोई भी भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हिलता इसलिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा कैसे करे जाते हैं तो कल हम मिल रहे हैं वापस से नौ बजे और नौ से ग्यारह के बीच में हम कवर करने वाले हैं फ्लूइड्स पार्ट टू और फ्लूइड्स पार्ट टू में कवर करेंगे सरफेस टेंशन एंड भी बच्चों, जब कुछ पढ़ दो तो पढ़ो दिल से मतलब उसमें पूरी मेहनत करो दो घंटे तुमने केवल लेक्चर लिया उससे तुम्हारे ये फायदा हो गया कि तुम्हारे सारे ब्रश अप हो गए तुमने कुछ क्वेश्चन देख लिए लेकिन अब तुम्हारे सीखने के लिए ये तो मैंने सिखाया है लेकिन तुम्हारे सीखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, है कि तुम बैठ करके अब इसकी प्रैक्टिस करो उसके लिए परेशान मत होना कहीं इधर उधर बुक में मुंह मारने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले से सॉर्टिंग करके प्रॉपर अलाइनमेंट में जिस तरीके से पढ़ाया है इसी तरीके से क्वेश्चन को अलाइन कर लिया है बट फॉर दैट यू हैव टू कम टू अवर ऐप आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप आप में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है भाई क्लियर है एकदम परफेक्ट है हंड्रेड क्लियर है ठीक है तो जितने बच्चे अब हमारे जेई की तैयारी कर रहे हैं या जितने बच्चे हमारी नीट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज क्योंकि आज हमारा इसका डे था लेकिन चालीस दिन के एंड तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पूरी फिजिक्स एक बार बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा दूंगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस विद प्रॉपर क्वेश्चन विद प्रॉपर टेस्ट विद प्रॉपर शॉर्ट नोट्स एंड विद प्रॉपर बोर्ड पीडीएफ्स ठीक है चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शुभ रात्रि mm-hmm <laughs>